लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चिकन बनारस की जरी, दिल्ली की नाइटी, बंबई की मैक्सी, अरे लुट गया आगरा का पेटीकोट, मद्रास की बॉडी, पफलिंग कॉटन टेरिकॉट, पफलिंग कॉटन टेरिकॉट मैक्सी। देखिए बहन जी, इतना चमाल इतना सस्ता नहीं मिलेगा। बोलिए बहन जी, क्या प्राइस है इस मैक्सी की? सिर्फ 80 रुपए। कम नहीं करोगे? नहीं बहन जी, इसमें से मेरा 5 रुपए मुनाफा है। बहुत महंगी है। पफलिंग कॉटन टेरिकॉट मैक्सी, पफलिंग उससे अच्छा मालूम है सब। लखनऊ की चिकन है, उस पर बूंदी, वो हैदराबाद की। कौड़ियों का भाव बेच रहा हूँ, आज ही बेचना है ना। कितने में दोगे? अरे बोला ना मैम साहब, कौड़ियों के भाव। बगल वाला 80 में दे रहा होगा, बहुत मुनाफा लेता। 75 में ले जाओ, 75 बहुत ज्यादा है, 70 में दो ना। अरे लो ना, आपको जाने थोड़ी देंगे 70 में। अच्छा माल सस्ता जा रहा है, पफलिंग कॉटन। इम्पोर्टेड माल है, दिखाऊं? हाँ बताओ। लाया तो मैं श्रीदेवी की हेयर ड्रेसर के लिए था। मैडम शूटिंग पर गई है ना, तो मैंने सोचा किसी बेहतरीन सी फिगर वाली खूबसूरत सी ग्राहक को दूंगा। क्या जम रही है, ओरिजिनल हांगकांग की है। शादी हो गई? जी हाँ। तो फिर क्या है, रात को साहब देखकर बहुत खुश होंगे। बिल्कुल लाइट। कितने में दोगे? 135 कौड़ियों के भाव। अरे मेम साहब 70 ये और 135, 205। 205? अरे चलिए आपको 200 में दिया। क्या है, इम्पोर्टेड भी देसी में डाल के देना। पॉपलाइन पॉपलाइन कॉटन मैक्सी। मैं जी गई यार बिपिन, वही मैक्सी उसने मुझसे नहीं ली, तुझसे ली। तेरा मुनाफा तो ज्यादा होता है मुझसे। हाँ तो लिया ना मुनाफा। कैसे? वो क्या है कि नाइटी मुद्दल में बेची। हाँ। और मैक्स में 50 रुपए कमाए। वो कैसे? इम्पोर्टेड बोल के और कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, ग्राहकों से झूठ बोलकर मुनाफा कमाना 420 होता है बिपिन। अबे तू भी शिकारपुरिया यार, अबे धंधे में सब कुछ चलता है। अबे बोलना क्या, तू भी सीख ले। क्या? ताइवान, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई। चल बे हफ्ता निकाल। हाँ उस्ताद लीजिए। पॉपलिन मैक्सी, कॉटन पॉपलिन मैक्सी, कॉटन पॉपलिन मैक्सी बहन जी। अबे ओए चिकने, चल हफ्ता निकाल। कैसा हफ्ता भाई? ये बताना पड़ेगा क्या, क्यों भाई ये इधर नया आया क्या? हाँ जम्बू दादा नया है। अबे ओए बिपिन, हफ्ता ला बे इधर। हाँ उस्ताद, हाँ ला उस्ताद। ये जम्बू दादा का इलाका है भुत्ती के, अपुन को हफ्ता दिए बगैर इस फुटपाथ में कोई धंधा नहीं कर सकता। ये लो उस्ताद। नहीं बिपिन नहीं देना। क्या बोला बे, तेरे दिन भर गए हैं क्या? अरे अरे क्या बात है जम्बू दादा? कुछ नहीं हवलदार, ये भूतनी का भाव अकड़ रहा है। तुम आगे बढ़ो, मैं अभी इसकी अकड़ निकालता हूँ। इस वक्त नहीं, पब्लिक देख रही है, तुम मेरे साथ आओ। आओ तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूँ भूतनी के। अबे ओए हरिश्चंद्र, ये भ्रष्टाचारियों की दुनिया में धंधा करना तो सदाचारी छोड़नी पड़ेगी। अबे छोड़ यार। अबे पकड़ाई क्या, जो छोड़ दूं साले खुद पिटेगा और मुझे भी पिटवाएगा। चल जा अभी धंधे पे। धंधे पे चल। अबे चलना यार। ओ मैडम, हम फुटपाथ वाले कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। देखकर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोले करो। सॉरी सॉरी जी नहीं, आप सॉरी क्यों कहती हैं जी? गलती हमारी है जो टकरा गए। क्या है कि आपका सुंदर रूप देखा ना तो नजरें वहीं धक से जम गई। तब तो 2 मिनट यहीं रुकी रही। अच्छा। ये सुंदर रूप फिर आएगा आपके सामने। क्या बात कर रही है? अरे अंदर रखो साहब।
इम्पोर्टेड है बोला ना, तुमको अंदर रखो सब, ये बोला ना इम्पोर्टेड है ये सब अंदर रखो, कल तुमको बोला था कि नहीं समझा के। हाँ। कार से उतरते ही कोई मुझसे रोमांस छाड़ने लगा। फाड़ने लगा? क्या फाड़ने लगा? फाड़ने नहीं लगा, तीसरे कहाँ से सुनिए, रोमांस छाड़ने लगा, बाहर फुटपाथ पे खड़ा है। खड़ा है तो चलो उसको लिटा देते हैं। किसने मेरी बेटी को छेड़ने की हिम्मत की है? सेठ जी बेबिन तुम भी अपना हथियार तान कर मेरे साथ बाहर चलो। जी क्या तानू? सुनिए सुनिए, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, छेड़ने वाला अंदर ही है। बंदर है? बंदर की शिकायत लेकर आती है मेरे पास, बंदर तो होता ही है सर। बंदर तो ही होता है जी, हरकतें बिल्कुल बंदर जैसी है, समझे ना तुम? जी लटक रहा है। देखो बंदरों की छेड़छाड़ से डरा नहीं करते, समझी? अब जाओ जाओ जाओ, धंधे का टाइम हो रहा है। पापा मुझे 200 रुपए दीजिए, अपनी सहेलियों को पिक्चर दिखानी है। अरे तो 2 रुपए में बंदर का तमाशा दिखाओ, 200 रुपए क्यों वेस्ट कर रही हो? ओहो पापा, मैंने अपनी सहेलियों से प्रॉमिस किया था। मैंने सारा कैश बैंक में डाल दिया है, ले लीजिए। झिझकिए मत, ले लीजिए, रख लीजिए, सेठ जी के ये। थैंक यू। बिपिन इधर आओ, वो मेरी कोई तिजोरी नहीं है, उसके सामने रुपया निकालने की क्या जरूरत थी? गलती होगी सर जी। हाँ। क्या है कि मेरे हिसाब में लिख लीजिए, अगले इतवार को एडवांस है। अगले ये कितने है? जी वो 900 1100 200। अच्छा ठीक है, मेहता जी इनको सामान दे देना। जी मेहरबानी मेहरबानी। हाँ। जरा करण का ख्याल रखना सर जी। जाना तुम्हारा क्या है? 260। बस 260, जैसी जैसी बिक्री होगी हिसाब चुकाता रहूंगा। लो हर बार हिरनी जैसी भागी आती हो, ये भी कोई ढंग है पिया मिलन को आने का? तो फिर कैसे आया करूं? माशूकों वाली चाल से लहराती बलगाती। तब तो पहुंचने में आधा घंटा और लगेगा, तुम्हें और इंतजार करना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारा इंतजार युग युग तक कर सकता हूं, इसमें भी एक मजा है। मुझसे तो सब्र नहीं किया जाता, इसीलिए दौड़ी चली आती हूँ। तुम कैसे कर लेते हो इंतजार? बस कर लेता हूँ। कैसे? इसलिए कि बेहद प्यार है तुमसे। कितना? अब ये कैसे बताऊं कितना? कुछ तो बताओ ना, कितना प्यार करते हो मुझसे? जब तुम दूर रहती हो ना तो इतना प्यार करता हूं तुमसे, और जब मैं पास रहती हूं तो कितना? इतना। इसी तरह प्यार किए जाओ करण, भगवान करे हम कभी जुदा ना हो। पॉपलेन कॉटन मैक्सिक, पॉपलेन कॉटन मैक्सिक, पॉपलेन कॉटन मैक्सिक। ए जरा दुकान संभाली, मैं चाय पी के आता हूं। पॉपलेन कॉटन मैक्सिक। आप अगर आज आप नहीं आते तो मैं ये शहर छोड़कर ही चला जाता। क्यों? जब आपके हाथ से बुनी नहीं होती ना तो मेरा तो दिन ही ठीक नहीं जाता, सच मानो मेरा तो धंधा ही चौपट होने वाला था। हुक्म तो करो, क्या तू बॉडी? तन मन से सेवक हूं आपका। साइज 34। आपको कैसे मालूम? देख कर ही ताल लिया। इस बार तो मैं आपको इंपोर्टेड ही पहनाऊंगा। क्या है कि मालविका जी के लिए 6 लाया था, उसमें से 1 आपको दूंगा। कौन सा रंग? मेरे ख्याल से लाल अच्छा रहेगा। कितना प्राइस है? कैसी बात कर रही हैं, आपसे प्राइस लूंगा, लागत है 105 बस। पैंटीज भी हैं इंपोर्टेड। अरे वो नई हीरोइन आई है ना, उसकी हेयर ड्रेसर ने मंगाई थी, मैडम गई होगी शूटिंग पे, अभी तक आई नहीं। माफ कीजिए, आप तो जानती हैं आपके यहां से बोनी हो तो मेरा दिन अच्छा निकलता है, मैं तो रात भर सोचता रहता हूँ, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ आपसे। कल आप दोपहर को समंदर के किनारे आ जाए तो फिर बहुत सारी बातें करूंगा। आएंगी ना? अगर आप नहीं आए तो मैं समंदर में कूद कर जान दे दूंगा, मुझे तैरना नहीं आता, सच। शाबाश। कितने के दिए? 5 रुपए की है। 5 रुपए? अच्छा। हाय मार डाला, क्या महक है जुल्फों में। तुम कभी अपने गदराए बदन की महक भी लेने दो रानी, कब से मरता हूँ तुम पे।
रिक्शा। कब तक बचती रहोगी रानी? मंदिर गया था, सोचा आपके लिए प्रसाद लेता चलूं। ये कहिए ना, क्यों बुलाया है? बताने की जरूरत है क्या? मत बताइए, मैं जाती हूँ। आप तो खामखा बोरा मान गई, बैठ तो जाइए। बाबरे, माफ कीजिए, आपको रोकने के लिए मैंने छू लिया, बुरा तो नहीं माना? छोटे छोटे कंकड़ अंदर, इस बुरा तो नहीं माना? ये महक आपके बालों से आ रही है ना, बुरा तो नहीं माना? कुछ तो बोलो ना, कब तक मुझे यूं ही देखते रहोगे? जी चाहता है तुम्हें समेट लूं अपने अंदर, मन में बसा लूं तुम्हें। समझ में नहीं आता कैसे इस मन की तसल्ली करूं। जैसे जी चाहे तसल्ली कर लो। छोड़ो मुझे, तुम हाथ से गुजरने लगे। क्यों रोकती हो अपने आप को, मिटा दो सारी यादें। ये सब ठीक नहीं है विपिन। मधु और पास आओ। और कितने पास? इतने पास कि हम एक हो जाएं। तुम न रहो, मैं न रहूं, हम समा जाएं एक दूसरे में। क्या हुआ? कुछ कहां? कुछ चला गया। कहां चला गया? तकलीफ हो रही है। कहां हो रही है? बताओ तू, क्या हुआ? पीछे। कहां? पीछे देखो, चला गया विपिन। कहां चला गया? अच्छा देखने तो दो ना बाबा। तकलीफ हो रही है, यहां देखो ना। हां विपिन, हां देख तो रहा हूं ना। लग रही है। कहां लग रही है? बोलो ना विपिन। हां मोनी, नहीं विपिन, नहीं हां। करण, क्या हुआ? न जाने चोली में क्या छुप गया। इस तिनके ने हमें डूबने से बचा लिया मधु। डूबने से? हाँ मधु, पागलपन हम दोनों पे सवार था। ब्याह से पहले अगर कुछ हो जाता तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाता। तुमने शादी से पहले लूट लिया मुझे। अरे क्या किसी पीढ़ी बातें कर रही हो, जवान हो, जवानी के मजे लूटो। मोहिनी थी उस बिपिन के साथ? हाँ जम्बू दादा, साला उसकी चोली में हाथ डाल रहा था। उस्ताद क्या निशाना है? बस इतना सही फांसा रह गया बस सर। मैं तो आपको दे रहा था, आपने नहीं लिया, फिर से घुसेड़ने की क्या जरूरत थी? ये लो उस्ताद, ले लो ले लो। दूर चला दी उस्ताद, ये लो करण, करण के भी ले लो। अरे उस्ताद ये अगले महीने का एडवांस भी ले लो। अरे उस्ताद आप क्यों? आराम भोर, तूने मोहिनी की चोली में हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? मोहिनी, माफ कर दीजिए उस्ताद, मुझसे भूल हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि वो आपकी बहन है। अब तो जैसे कुत्ते आपकी बहन है, आप मारो, बाकी कब मारते हो उस्ताद? तुम्हें बच गया हूं सालो, तेरे भाग के पैसे साले।
अरे भागो, पुलिस आ रही है। जल्दी भागो, चल भागो, बंद करो। ले जा, ले जा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर मुझसे पैसे छीन रहा था। इंस्पेक्टर साहब, बंद कर दो साले को। वैसे यार तू है कमाल का आदमी। हाँ, मेरी जान बचाने के लिए तू अपनी जान खतरे में डाल ले। अरे भूल जा यार सब। नहीं रे, तुझे नहीं भूल सकता। अपने माँ बाप को तो भुला दिया, मगर तुझे नहीं भूलूंगा। कैसा आदमी है रे तू, तू अपने माँ बाप को भूल गया? वो थे ही इस काबिल। जब से होश संभाला उन्हें सिर्फ झगड़ते देखा। हर रोज साला हंगामा। एक दिन मेरी मां गुस्से में आ गई और साड़ी में आग लगाकर जल मरी। थोड़े दिन के बाद ही मेरा बाप मेरे लिए सौतेली मां ले आया। सौतेली मां मुझ पर जुल्म ढाने लगी, मगर मेरे बाप ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। ओ साले, पक्के मतलबी थे। बिपिन, कम से कम अपनी मां को तो गाली मत दो, उसने तो जन्म दिया तुम्हें। अगर उसको मेरी परवाह होती तो साड़ी में आग लगाने से पहले अपने छोटे से बच्चे के बारे में तो सोचती। उस आग में मासूम जिंदगी झुलस कर राख हो गई। इसलिए आज मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है कि सिर्फ अपने लिए जियो और किसी साले की परवाह मत करो। मेरी जिंदगी में कई आते हैं जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े कठोर हो चुके हो। इतना कठोर भी नहीं। आज तू मेरी जिंदगी में जिस तरह आया है कभी जाने नहीं दूंगा, और ना ही ज्यादा दिन तक उस कड़क फर्श पर सोने दूंगा। आज से हम धंधा मिलकर करेंगे। नहीं करण, नहीं, नहीं 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 नहीं, अब और माल उठाने के लिए कोई दूसरी दुकान देखो, मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। अरे क्या नहीं, पकड़ो तो। हाँ ये ठीक है। देखो सेठ, क्या है कि मैं और करण अब मिलकर धंधा करेंगे, ये भागीदारी में। तू जाना यार माल उठा। देखो बिपिन, ये घूंगा बसंत तुम्हारा कहीं दिवाला नहीं निकाल दे। अरे क्यों चिंता करते हो सेठ, इसको ऐसे धंधे की ओर सिखाऊंगा कि आपका दिवाला निकाल देगा। पापा पापा 200 रुपए निकालिए, मैंने अपनी सहेलियों से प्रॉमिस किया उन्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी। तो फिर आ गई 200 रुपए मांगने, वो भी आइसक्रीम के लिए? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्या 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 कर रहे हैं सर जी, मैं आपके पापा पांव पड़ता हूँ, आप मेरी कमाई में से इनको 200 रुपए दे दीजिए। तुम्हारी कमाई में से? जी, क्या है कि आज इनकी वजह से मेरा 400 रुपए का फायदा हुआ। किसकी वजह से? जी सेठ जी, रात को ये मेरी सपने में आई थी। आए ये लो 200 रुपये, आइसक्रीम खाओ। थैंक यू। मेंशन नॉट। अच्छा जी, ये मेरी बेटी के सपने तुम्हें कब से आने लगे? पहली बार। क्या है कि आज से पहले तो देवी देवता मेरे सपनों में आया करते थे, कल रात देवी का रूप धर के पहली बार आई है। समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया। मैं बराबर समझ रहा हूँ। जाओ जाकर अपना सामान उठाओ। जी नहीं नहीं, वो तो करण उठा रहा है सेठ जी। लूट लिया, लूट लिया, सारे बाजार लूट लिया। थैंक यू मैडम। पॉपलेन कॉटन मैक्स, पॉपलेन कॉटन मैक्स, फुटपाथ पे खड़ा करके। पॉपलेन। अरे मोहनी डार्लिंग, दोपहर को धंधे के वक्त कहाँ चली आई रानी? प्यार के मजे लूटेंगे शाम को धंधे के बाद। बिपिन क्या हुआ? तुमसे कुछ बात करनी है। तुम कुछ उतरी उतरी सी लग रही हो। हाँ। क्या बात है? अरे मेरी मोनी डार्लिंग, अरे अरे मैं बहुत खुश हुआ। तुम चिंता मत करो, मरते मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अभी तुम घर चले जाओ, शाम को 4 बजे वहीं मिलेंगे। तुम घर चले जाओ, दोपहर बहुत है, जाओ ना जाओ। मोहिनी रो मत मेरी जान, देखो रोने से तबीयत खराब होती है। मैंने बोला ना सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल नहीं मानता बिपिन, तुम मुझसे ब्याह क्यों नहीं कर लेते? ब्याह करूंगा, जरूर करूंगा, मगर अभी नहीं। अभी तो 4x4 की खोली में रहता हूं। मेरा अरमान है मैं अपनी जान के साथ शादी करके
एक बंगले में जाऊं। बंगला ना सही, फ्लैट तो चाहे वन बेडरूम ही क्यों ना हो। मैं अपनी जान की ये इंसल्ट नहीं कर सकता कि शादी के बाद मैं उसे एक खोली में लेकर जाऊं, इसीलिए तो डॉक्टर के पास लेकर आया हूं। डॉक्टर मर्द है क्या? औरत है। तुम पर मैं किसी पराई मर्द की नजर पड़ने दूंगा कभी नहीं। आजा, अब अंदर चल। आ गए तुम? अरे कहाँ थे अब तक श्रीमान आशिक? अरे यार उसी झमेले में फंसा हुआ था। पहले मोनी को डॉक्टर क्या लेकर गया, फिर घर पहुंचा, अब लौटा। तो आखिर अपनी होने वाली औलाद का कत्ल कर आए? जज्बाती मत बनो। कत्ल उसका होता है जो पैदा हो चुका हो, और जब तक बीज पौधा ना बने काटने का इल्जाम नहीं दिया जा सकता। एक बात बताओ विपिन, जब तुम्हारा शादी का इरादा नहीं होता तो तुम लड़कियों की जिंदगी से क्यों खेलते हो? जिंदगी के साथ खेलना वेलना सब घिसे पिटे डायलॉग है दोस्त। जवानी खेलती है जवानी से, और उस खेल के मजे दोनों लेते हैं। कभी यह भी सोचा है लड़की प्रेम के लिए भी खुद को तुम्हारे हवाले कर सकती है? अरे मर्द को फांसने के लिए उस वक्त हर लड़की यही कहती है। तुम्हारी मधु ने भी यही कहा होगा, नहीं? बिल्कुल गलत ख्याल है तुम्हारा। हम दोनों तो सिर्फ प्यार के मजे लेते हैं। वो नौबत कभी नहीं आएगी जब मुझे मधु को डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। हाँ अरे तब तो तुम दोनों जवानी में ही बूढ़े हो गए हो यार। हमारा प्यार तो बुढ़ापे में भी जवान रहेगा, मगर तुम जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे विपिन।
से भी हम माने हवालात से छूट आया हूं तुझे नरक में पहुंचाने के लिए, मगर उससे पहले तेरी ये माशूक मेरी बाहों में नंगी तड़फड़ाएगी और तू स्वर्ग का नजारा करेगा। कम कमीने कुत्ते छोड़ दे, नहीं छोड़। आप यहीं रुकिए। मौत भी मुझे तुमसे नहीं छीन सकेगी, मर के भी मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। अरे मुझे तेरी आत्मा वात्मा नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, तू जीती जाती तू। हाँ, और तुझसे पहले तो मैं मरूंगा। अरे बड़े आए पहले मरने वाले, पहले मैं मरूंगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मधु मधु ठीक है ना? आई एम सॉरी मिस्टर करण।
दुनिया क्या है किस्मत से हम माने जिंदगी मधु से लड़की आएगी। अबे बोल, तुम्हें मालूम था क्या? भाई ना, इसलिए आएगी तो जिंदा रहा। अरे पगले, अब तू क्यों इस खूबसूरत जिंदगी से मुंह मोड़ता है? देख, तेरी अंधेरी दुनिया में फिर से उजाला करने के लिए कोई और मधु चली आएगी। नहीं बिपिन, मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में मधु की जगह और कोई लड़की नहीं ले सकते। अरे यार, अभी तेरा जख्म ताजा है इसलिए तू कह रहा है, लेकिन वक्त हर जख्म को भर देता है। नासूर नहीं भरता कभी बिपिन। अबे यार, ये नासूर है या जख्म, ये तो वक्त बताएगा। वैसे इन दोनों को ठीक करने का इलाज मेरे पास है, चल तू आ। अबे चल ना यार, तू घिस घिस मत कर। अब कहां इतनी रात गए तुम मुझे मंदिर में लाए बिपिन? देख करण, मैं इन देवी देवताओं को इतना नहीं मानता हूं जितना तू मानता है, इसलिए इनके सामने कसम खा कि तू जिंदा रहेगा और मुझसे दोस्ती निभाएगा। बड़ा जिद्दी है तू। ठीक है, जिंदा रहने का वायदा तो नहीं करता, सिर्फ इतनी कसम खाता हूं अपने हाथ तो जान नहीं दूंगा। कितने दिन जिंदा रहा बिपिन के साथ दोस्ती निभाऊंगा बस। अरे ये हुई ना बात, छोड़ मेरे माँ जी के शेर, चल गले लग जा। चल अब चलते का? अरे चलना, ये तो खुले ही रहेंगे, वो बंद हो जाएगा। अरे ये क्या बिपिन, तू कमाल का आदमी है, पहले मंदिर ले गया फिर यहाँ शराब खाने में ले आया। अबे वो कसम खिलाने का मंदिर था और ये गम भुलाने का मदिरालय। आजा। अरे ओ झारखंड, एक संतरा, एक सोडा और दो ग्लास। दो ग्लास क्यों? अरे बैठ। अरे मैं शराब नहीं पीता हूँ बिपिन। अरे तो आज पी ले, इससे गम फुर हो जाता है। अरे बिपिन मैं नहीं पीता हूँ, तू। अरे मैं नहीं पीता हूँ भाई, मिले कुछ ठंडा ले आओ बस। अबे लल्ला, नीम की घुट्टी समझ के पी ले, इससे फोड़ा फुंसी जख्म नासूर सब साफ हो जाता है। तू पागल है, मैं नहीं पीता हूँ यार। अबे कमबख्त, तुझे मधु की कसम है। पी, पी। ठसका लगा, ठसका ले ले, सोड़े का खून बार, सोड़े सोड़े। आओ देख करण, अब तेरा साथ मिल गया है, अब हम मिलके धंधा करेंगे। कल चलेंगे शोलापुर और वहां से कपड़ों की जरा बड़ी एजेंसी लेकर आएंगे। की आंखों में प्यार तक दिन 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 दिन। हाय हाय, अबे उधर कहां जा रहे है? फर्स्ट क्लास है, उधर चल। तू चिंता क्यों करता है, अपने पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। अरे यार तेरे तो मनसूबों में ही कंगाली है। अबे फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करेंगे, फर्स्ट क्लास होटल में ठहरेंगे, तभी तो पार्टी पर रोक पड़ेगा। घुस जा अंदर। अरे घुस ना, सामान सीट के नीचे डाल। हाँ अब जरा खिसक के बैठ। अरे 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 संभाल, क्या बाबा? बाबा क्या हुआ बाबा, तबीयत तो ठीक है ना बाबा? बेटा बेटा, पानी जी जी, पानी वही। ये लीजिए बाबा,
आराम से बेटा। कोई 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 डॉक्टर। डॉक्टर करण, तू जाके कहीं से डॉक्टर का इंतजाम कर, मैं इन्हें देखता हूँ। मैं आया बाबा। आया। बाबा, ए बाबा परेशान मत, बाबा सब ठीक हो जाएगा। बाबा लेट जा तुम, लेट जा। थैंक यू। हाँ बाबा, हाँ क्या हुआ बाबा? बाबा ए बाबा, डॉक्टर साहब आइए। आइए सॉरी, मस्ट बी अ मैसिव हार्ट अटैक। आप लोग पुलिस को खबर कर दीजिए। पुलिस? यहाँ जी जी। ए, चलो चलो तुम लोग, काय को भीड़ लगा रखा है यहाँ पे? चलो चलो अपना काम करो, चलो चलो चलो। आप लोग पंचनामे पे साइन कर दीजिए और नीचे अपना पता लिख दीजिए। क्यों? कोर्ट में आना पड़ेगा बयान देने के लिए आपको। हाँ जी, हाँ जी, मैं यहाँ। मरने वाले का सामान क्या क्या? जी मैं ये 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 अवलदार सामान ले लो। ए ए ए, ए गौचू, क्या है? ये गद्दा के लिए बैठ रहा है? हाँ यार, ये बहुत पिलपिला है यार, मुझे तो कड़क बिस्तर की आदत है भाई। अबे ओए जंगली कहीं के, नरम बिस्तर की आदत डाल। अभी तो सिर्फ फ्लैट लिया है, उसके बाद बंगला लेंगे, फिर बड़ी सी दुकान लेंगे। अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बहुत आगे बढ़ना है। कितना ही आगे बढ़ लो दोस्त, अंत में तो कड़क बिस्तर पे ही जाना है, लकड़ियों की चिता पे। अयो देवा, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने इसको पीना सिखाया, इसको लेने के बाद भी निराशा की बात करता है। तेरी ये दवा बेअसर है यार, मेरे दिल का नासूर कभी नहीं भरेगा। अरे भरेगा देवदास, जरूर भरेगा। जख्म है ना, जरा मरहम लगाने वाली कोई आने तो दे तेरी जिंदगी में। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए 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 ना, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। आप यहाँ कहीं पड़ोस पड़ोस में रहती? मेरा मतलब ऐसे मिलने जुलने से प्रेम बढ़ता है। जी नहीं, मैं काफी दूर रहती हूँ। जी वैसे आप दोनों बिपिन और करण है ना? वो करण है, मैं बिपिन हूँ। ये तो खुशकिस्मती है हमारी कि आप दूर रहकर भी हमारे बारे में जानते। आइए 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 आइए, आप यहाँ बैठिए। थैंक यू। मैं जान सकता हूँ कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला? जी पुलिस स्टेशन से। जी जी हाँ, वहाँ से आपका नाम और पुराना पता मिला। उस पुराने पते पे गए तो चौल वाले ने कहा कि कल से आप इस फ्लैट में रहने को आए हैं। मगर आप हैं कौन और पुलिस तक हमारी टोह लेने के लिए क्यों गए? ये जानने कि जब पिताजी का हार्ट फेल हुआ तब उनके साथ ट्रेन में कौन था। ओ, तो आप श्रीमान स्वर्गवासी जी की बेटी हैं। ऊपर वाला भी कितना अंधा है, उसको उठा लिया जिसके दुनिया में रोने वाले हैं, और मुझे देखो। चुप। देखिए मिस्टर बिपिन जी, ट्रेन में जो पिताजी का सामान था वो आपने पुलिस के हवाले किया जी, लेकिन एक ब्रीफकेस नहीं किया। मगर उनके सामान में तो कोई ब्रीफकेस नहीं था। था मिस्टर बिपिन, और उस ब्रीफकेस में 10 लाख रुपए थे। 10 लाख? हाँ। अब समझ में आया कि जब हम डिब्बे में दाखिल हुए तो आपके पिताजी हार्ट अटैक में भी पड़े हुए थे। हो सकता है कुछ मिनट पहले कोई चोर चक्का वो ब्रीफकेस, हाँ वही लेकर भाग गया होगा। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही, आपकी इतनी बड़ी रकम चोरी हो गई और आप इंक्वायरी के लिए पुलिस को अपने साथ लेकर नहीं आई? अगर सुराग न मिला तो पुलिस भी आएगी। तो इसका मतलब अभी तक आपने पुलिस को नहीं बताया, तो आपके पिताजी के पास हेरा फेरी के रूप में रहे होंगे। क्यों? एक मिनट मिस्टर बिपिन, मेरे पिताजी बड़े ईमानदार आदमी थे, समझे आप? अब आप ये बताइए
कि ये फ्लैट लेने के लिए आपके पास रुपए कहाँ से आए? सिक्किम लॉटरी लग गई थी। आप झूठ बोलते हैं। जबान संभालिए। आपने मुझे झूठा कहा? मुझे झूठा कहा आपने? आप क्या समझती हैं मैम साहब कि आपके पिताजी को लूट कर हमने ये फ्लैट खरीदा है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे पिताजी का ब्रीफकेस ट्रेन से चुराया गया है और उस कंपार्टमेंट में आप दोनों के सिवा और कोई नहीं था। तो जाइए फिर थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दीजिए। मैम साहब, आपके पिताजी को लूटना होता ना तो हार्ट अटैक के बाद उनकी जान बचाने की कोशिश नहीं करते, भागते कूदते डॉक्टर ढूंढ कर नहीं लाते। हमारा उपकार मानने के बजाय आप हमारे इल्जाम लगा रही हैं। आप जैसे आसान फरामोश लड़की नहीं देखी हमने आज तक। ऐसे क्या देख रही है? जाइए पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा दीजिए। चलवा दीजिए फांसी हमें, जाइए ना। ये बिपिन, तूने उस लड़की से झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? अरे उसके पिता को हार्ट अटैक तो हमारे पहुंचने के बाद हुआ, याद नहीं तुझे? और तूने उसको बोल दिया कि वो पहले से हार्ट अटैक में थे। अरे पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। पुलिस? अरे जब हमने रुपए चुराया नहीं तो डर किस बात का होता है भाई? अरे बेकसूर लोगों को पुलिस ज्यादा तंग करती है, बिला वजह दो चार डंडे और पड़ जाएंगे। वो 10 लाख मेरे काले धन के रुपए थे साधना, मैं पुलिस में नहीं जा सकता। तो मैं जाऊंगी पुलिस के पास। पुलिस तुमसे पूछेगी तुम्हारे पिता मेरे दफ्तर में अकाउंटेंट थे, वो 10 लाख उनके पास आए कहां से? आखिर मैं ही फंसूंगा ना। लेकिन सेठ जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा मेरे पिताजी के नाम से वो धब्बा धोने के लिए। कैसा धब्बा? किसने लगाया? इस घर के बाहर मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि उस ब्रीफ केस में मेरे 10 लाख रुपए थे। लेकिन सेठ जी, हो सकता है कि बाद में आप खुद सोचे कि मेरे पिताजी ने। कैसी बात करती हो साधना? उस नेक और ईमानदार आदमी के बारे में ऐसी घटिया बात मैं मरते दम तक नहीं सोच सकता। और तुम भी उन रुपयों के बारे में सोचना छोड़ दो, जिसके नसीब में थे मिल गए उसे। ये ले 200 रुपए। तू समझ गया ना करना क्या है? बिल्कुल समझ गया, आप फिक्र ना करो, बोलता हूँ ना। सरकार आपका गुच्छा खड़ा हो गया। हा? बालों का गुच्छा, बालों का। अरे साला, इसको भी आज ही खड़ा होना था। हा? सरकार, हा? वो घर से कोई निकली देखो। हा? खड़ा कर। नमस्ते मेम साहब, जिस तरफ ये बस जा रही है उसी तरफ मैं भी जा रहा हूँ। आइए रिक्शे में छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स। थैंक यू साहब। लगता है आप मुझसे नाराज हैं। आप क्यों रिक्शे से उतर गए? वो तो रिक्शा था मेम साहब, अगर मैंने आपको हवाई जहाज से देख लिया होता ना तो खिड़की तोड़ के जंप कर गया होता। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? आ जाओ, ठहरो, मेरे साथ। भगवान ने मेरी सुन ली है। देखिए मैं मंदिर से प्रसाद लेकर आ रहा था, वो आपकी झोली में गिर गया, ये रहा फूल। या तो आप एक नंबर के 420 है या बिल्कुल भूल दो। जी मैं समझा नहीं। या तो आप नहीं जानते कि किस जगह कैसी बातें की जाती है या फिर जानबूझकर करते हैं। कहाँ जाना है मेरे साहब? माउंट रोड। ए भाई, तुम्हारा रिक्शा इतना तंग क्यों है और चौड़ा नहीं हो सकता था? कंपनी बनाता है साहब, जाके उसको बोलो। आप कहाँ जाएंगे? मिलन मंजिल। वो कहाँ है? इसी रास्ते पर है, पहुँचते ही आपको बता दूंगा। साहब मुझे भी बता देना। जरा धीरे मोड़ो, मैं और ये मेम साहब पति पत्नी नहीं है। बात जो है ना देर में समझ में आती है। तुमसे कहा था ना धीरे चलाओ। आपने टर्न के लिए कहा था साहब, मैंने तो ब्रेक मारा है। ब्रेक भी मत लगाओ। मेम साहब को संभालने में हाथ वहां लग रहा है जहां नहीं लग। अरे मैं क्या क्या फंसा हूँ? पाँव भी नहीं फंसा पा रहा है। अरे हमको मारा कैसे तुमने? अरे तुमने हमको मारा कैसे? मारा कैसे? चलो मेरे साथ नीचे उतरो, चलो बीच रास्ते में उतार। यही सजा आप लोगों की, समझे क्या? हम मार खाने को नहीं आए, धंधा करने को आए हैं। एक पैसा भी नहीं दूंगा। तो नहीं मिला, बहुत बड़े हैं हमको देने वाले। आप भी मत दीजिएगा। अब जंगल में बैठ के इश्क करना लैला मजनू, बाद में शहर को जाना पैदल, सारी अकड़ निकल जाएगी, समझा क्या है? ये किस बियाबान में उतार गए? आसपास कोई सवारी भी नहीं।
आप चिंता मत कीजिए, मैं तो हूँ जी। वो क्या कि एसटी की बस यहाँ से एक घंटे के बाद गुजरेगी। क्या यहाँ एक घंटे तक रुकना पड़ेगा? टाइम कट जाएगा जी। यहाँ यहाँ तो जी वहाँ देखिए, वहाँ बिल्कुल प्लेन समतल है, वहाँ चले वो पेड़ वो बैठिए ना इस पे, कहीं आपकी साड़ी मैली ना हो जाए। नहीं, नीचे घास है ना। आपको घास पे बैठने दूं? हो सकता है शर्श्री पंडित ज्ञान सागर की बात सत्य हो जाए। बैठिए ना प्लीज। बैठिए। क्या कर रही हैं आप? पंडित ज्ञान जी, वो कौन है? आपने उनका नाम नहीं सुना? लीजिए, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने मुझसे कहा था, बालक तेरे जीवन में एक कन्या आएगी जो तेरा भविष्य बन जाएगी और तू उसका दास। एक बात उन्होंने और भी कही थी कि उसका नाम सरस्वती वाले सा से शुरू होगा। आपका नाम सा से शुरू तो नहीं होता ना? वैसे आपका नाम क्या है बताइए ना। साधना। सा? नहीं नहीं साधना, आप वो लड़की नहीं हो सकती। पंडित जी ने यह भी कहा था कि उस लड़की के पिता मध्यम वर्गीय होंगे, मिडिल क्लास नौकरी पेशा। आपके पिताजी के पास तो लाखों रुपए थे। नहीं नहीं, वो पैसे उनके नहीं थे। वो पैसे जिनके थे उनके यहाँ पिताजी नौकरी करते थे। नौकरी? यानी कि नौकरी पेशा ही थे? तब तो उनकी दूसरी बात भी सत्य निकली। तब तो तुम ही हो मेरी संगिनी। मैं देखो देखो साधना, तुम इस तरह मेरे से मुंह ना फेरो। तुम ही मेरा भविष्य हो, तुम ही मेरा मुस्तकबिल हो, तुम ही मेरा फ्यूचर हो। और मैं अपने भविष्य के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। सब कुछ बताओ साधना। क्या बताओ? यही कि वाकई तुम नौकरी ढूंढने के लिए निकली थी। घर में बहन भाई माँ है, पेट पालने के लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी ना। कभी ना करने दूंगा, मैं पालूंगा उन सबको। मेरा भविष्य किसी की नौकरी करे मुझे सहा नहीं जाएगा। सुनो, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगा। मेरी जिम्मेदारी है तुम। किस सोच में डूबी हो जान? जिम्मेदारियां। जिम्मेदारी? भाई बहन माँ। ए सुनो तो, रात को मुझे बड़ा अजीब सपना आया। कैसा सपना? यही कि हम दोनों की शादी हो गई है और सुहागरात को ही झगड़ा हो गया। कैसा झगड़ा? ये कि तुम बच्चा चाह रही थी और मैंने कहा नहीं जानम, बच्चा अभी नहीं, सबसे पहले मुझे तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर उसको अच्छी सी नौकरी दिलवानी है, फिर उसके बाद तुम्हारी बहन के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढना है, उसकी शादी करानी है, तब हम औलाद का मुंह देखने के लायक बनेंगे। वैसे मैंने सपने में कोई गलत फैसला तो नहीं किया ना? नहीं ना? अब चलो। कहाँ? माँ से मिलने। किस लिए? ताकि उन्हें पता चले कि इस दुनिया में तुम जैसा महान और नेक इंसान भी है। बिल्कुल नहीं। देखो साधना, बड़े बूढ़ों ने कहा है नेकी कर और दरिया में डाल, और मैं इस बात में यकीन करता हूँ क्योंकि मैं अपने किए को कभी जताता नहीं। मेरे तो कर्म बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे माताजी को यानी कि हमारी सासी जी, मेरी सासू जी को सब कुछ पता चल जाएगा। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं तुमसे मिली, और तुमसे मिलकर मैं अपने पिताजी की मौत के दुर्भाग्य को भूल गई हूँ। तुम चिंता क्यों करती हो जान? मैं तुम्हें पूरी तरह से सौभाग्यवती बनाऊंगा।
लेकिन एक शर्त है, तुम सुहागरात वाले दिन बच्चे की जिद नहीं करोगे। पक्का? हाँ। वादा रहा ना? क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? पीछे कहाँ कहाँ गया? कौन? कहाँ बताओ ना, वो देखो कहाँ, देख तो रहा हूँ, ठहरो ना, देखने तो दो ना। क्या हुआ? देखो ना यहाँ, कुछ चुभ रहा है। यहाँ कहाँ? ब्लाउज खोलो, खोलो ना, खोलो, देखो। आपके पिताजी क्या ऐसे ही रोज देवी की पूजा किया करते हैं? हाँ, अपने धंधे के लिए। अच्छा, तो क्या आप मुझे अपनी एक फोटो दे सकेंगी? क्यों, मैं भी इसी तरह से रोज आपकी पूजा किया करूंगा। डरने की बात नहीं, आला नहीं है कान में। तो फिर आप देंगी फोटो? मैं देवी तो नहीं जिसकी पूजा की जाए। अरे आप देवी नहीं, मेरे लिए तो महा देवी है, ऐसी जानदार प्रतिमा है जिसकी घर के साथ साथ मन मंदिर में बिठा कर पूजा करनी चाहिए। आ, धन्य हो, देवी ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। देखिए ना कहाँ टपका है। जय देवी लक्ष्मी, जय लक्ष्मी देवी। अब समझा, सपने में भी आकर दर्शन कर लेता हूँ तो मेरी कमाई चौगुनी हो जाती है। काश कि आपके साथ संपर्क भी जम जाता। कैसा संपर्क? घनिष्ठ, बहुत गहरा, कभी न छूटने वाला। लेकिन मेरे ऐसे नसीब कहाँ कि जो आप मेरे घर आके बिराजे। आप ना सही तो आपकी फोटो भी सही। लक्ष्मी जी, मुझे आप छाया देंगी? क्या देंगी? देंगी ना। क्या देंगी? तो आपने कान में लगा? बोल, क्या मांग रहा था मेरी बेटी से? फोटो, फोटो, फोटो मांग रहा था मेरी बेटी से। तूने क्या क्या इस पर मंत्र फूंके हैं मैंने अपने कानों से बराबर सुना है। संपर्क जमाना है, अपने घर में ले जाना है। खबरदार, अगर ये घर से गई तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा, साथ में तेरी भी। माफ कर दीजिए सेठ जी, नादानी में भूल हो गई, नादानी में भूल हो गई। अकेला हूं सेठ जी, बचपन में कुंभ के मेले में माँ बाप छोड़कर चले गए थे, कुंभ के मेले में, तब से संपर्क बनाने के लिए भटक रहा हूँ। भावुक हो गया था, माफ कर दीजिए सेठ जी। कैसे माफ कर दूं? तू जाने क्या क्या कह चुका है मेरी बिटिया से। हाँ, अगर संपर्क जमाना है तो यहीं रहकर जमाना होगा, मेरा घर जमाई बन कर रहना होगा। बोल, मंजूर है या नहीं? मंजूर है ससुर जी। सॉरी डार्लिंग, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। तुम्हारी बला से कभी पार्क में बुलाते हो तो कभी समंदर के किनारे, लेकिन अभी तक घर चलकर माँ से मिलने की फुर्सत नहीं मिली। जब भजन कीर्तन गाना होगा तो माँ जी से मिल लेंगे। तुम्हारे साथ प्रेम गान गाने के लिए तो ये सुनसान जगह ही अच्छी है। छोड़ो ना मुझे, जब भी मिलती हूँ एक ही भूत सवार रहता है तुम्हारे सर पे। अरे जब अप्सरा सामने हो तो भूत क्यों नहीं सवार होगा साधना रानी। अभी मस्का पारिश बंद करो, मेरे सर पे तो सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं, बढ़ती जा रही है। ये लो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? साधना तुम्हारी कसम, मेरा पर्स खाली हो गया है, जरूरत पड़ी तो और दे दूंगा। मैं सच्चे दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिल तुम्हारी पर्स में है क्या? मैं तुमसे रुपये लेने लगूं तो ऐसा लगेगा जैसे अपना जिस्म बेच रही हूँ तुम्हें। देखो, अगर सच्चे दिल से मेरी मदद करना चाहते हो तो शादी कर लो मुझसे। हाँ तो कर लेंगे शादी हम, ऐसी जल्दी भी क्या है? है जल्दी, दिन चढ़ चुके हैं मुझे। क्या? दो हफ्ते से ज्यादा।
फिर वही केस? बस यही है मेरी बहन जी, और ये साधना है। मानना पड़ेगा, आज तक आप जितने भी केसेस लाए हैं उन सबसे सुंदर है ये। कैसे केस डॉक्टर? क्या ये पहले भी दूसरी लड़कियों को यहाँ लाते रहे हैं? लोग अक्सर ऐसे केसेस मेरे ही पास लाते हैं, क्योंकि मैं अबॉर्शन में एक्सपर्ट हूँ। अबॉर्शन? हाँ, यानी गर्भपात। कोई खास तकलीफ नहीं होगी, आप 8-10 घंटों में अपने घर जा सकेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि झूठे वादे करके ये दूसरी लड़कियों को भी अपनी वासना का शिकार बनाते रहे हैं, और उस नीच काम में आप इनकी मदद करती रहे हैं। देखो लड़की, ये क्या करते हैं क्या नहीं, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ, और आजकल तो गर्भपात की इजाजत कानून भी देता है। इजाजत देता है परिवार नियोजन के लिए, किसी कवारी लड़की की जिंदगी तबाह करने के लिए नहीं। और आप भी ये मत समझिएगा मिस्टर कि इस बार भी आसानी से बच निकलोगे। मैं उन कमजोर औरतों में से नहीं हूँ जो तुम जैसे भेड़ियों का शिकार बनकर भी चुप रहती हैं, नारी अधिकार के सामने लड़ना नहीं जानती। अगर तुमने मेरे साथ ब्याह नहीं किया तो इस समाज में तुम्हारा रहना मैं मुश्किल कर दूंगी। मगर कौन कर रहा है इनकार? देखो तुम मेरी बात तो समझ नहीं रही हो। देखो मेरा अपना तो घर है नहीं, मैं ब्याह कर तुम्हें कहां ले जाऊंगा? मैं खुद तो करण के साथ में रह रहा हूं, अभी अपना घर बनने में महीनों लग जाएंगे, इसलिए तुम इससे छुटकारा पालो। हरगिज नहीं, बहुत आ चुकी तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में। अब साफ सुन लो, तुम्हें फौरन मेरे साथ ब्याह करना होगा, और जब तक घर ना मिले मैं माँ के साथ रह लूंगी। देखो तुम भी साफ साफ सुन लो, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रही हो। फिलहाल मैं ब्याह नहीं कर सकता, बहन जी जो कह रही है वो ठीक कह रही है, तुम अबॉर्शन करा लो ना, वरना समाज के कलंक से बच नहीं पाओगी, बर्बाद हो जाओगी तुम। मैं बर्बाद हो गई तो इन मिस्टर को भी चैन से जीने नहीं दूंगी। औरतों की सुरक्षा के लिए है कुछ संस्थाएं, उनका दरवाजा खटखटाऊंगी, इन मिस्टर की असलियत सारी दुनिया को बता दूंगी, और आपकी भी। मेरी असलियत? आप समझती है कि अबॉर्शन करके आप अपना फर्ज पूरा कर रही है? जी नहीं, रुपये बटोर रही हैं आप, बेबस अबलाओं की मुसीबत से पैसे कमा रही हैं। एक औरत होकर भी आप इन जैसे लुटेरों को शह दे रही है जो भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फांस कर उनकी आबरू लुटते हैं और आपका बिजनेस बढ़ाते हैं। चली है मुझे कलंक से बचाने, औरत जात के नाम पर आप खुद एक कलंक हैं। साधना ने ठीक ही कहा है मिस्टर बिपिन, आप फिर ऐसे केस मेरे पास मत लाइएगा। और सुनिए, अगर साधना ने आपके खिलाफ कोई कदम उठाया तो मैं इसका साथ दूंगी। साधना ने मेरी भी आंखें खोल दी हैं डॉक्टर बहन जी, मेरे भी जमीर को जगा दिया है। मेरी पिछली जिंदगी के लिए मेरा जमीर मुझे मलामते दे रहा है। आज से मैं नई जिंदगी शुरू करूंगा डॉक्टर बहन जी, नई जिंदगी शुरू करूंगा। शादी की तैयारी के लिए मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, सिर्फ 2 हफ्ते, उसके बाद हम हमेशा के लिए पति पत्नी बन जाएंगे। साधना तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है बेटे, तुम्हें उसके साथ फौरन शादी कर लेनी चाहिए, वरना उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी, साधना जैसी कंगाल से शादी करके जंजाल के सिवा कुछ नहीं मिलने का है। अरे सेठ धनीराम की बेटी से शादी करूंगा तो करोड़ों हाथ में आएंगे, करोड़ों। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता। मैंने तुझसे कहा था ना, नरम बिस्तर पर सोने की आदत डाल, अबे हमें महलों में जाना है, महलों में। अपनी नरम सेज के लिए तुम किसी की जिंदगी में कांटे बो रहे हो बिपिन, जो बोगे वही काटोगे, एक दिन तुम्हारी ये नरम सेज कांटों की सेज बन जाएगी। हाँ अबे तू ये भाषण देना बंद कर, और मेरा उसे पीछे छुड़ाने में मदद कर। क्यों, इस बार पीछा छोड़ना भारी पड़ रहा है? हाँ यार बड़ी जिद्दी है, कहीं उसे पता भी चल गया कि मैं कहीं और शादी करने वाला तो वहीं लगन मंडप में आकर हंगामा खड़ा कर देगी। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती, मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उसे किसी गांव में ले जाता हूँ, तू मेरे साथ चलेगा, वहां से मैं चुपचाप खिसक सकाऊंगा, तू उसे वहां रोक रहना, और यहाँ की मैं सिर्फ धनी नाम की बेटी से शादी कर लूंगा। क्यों कैसा लगा प्लान? बेहद नीच और थर्ड क्लास। अरे पाखंडी, साधना जैसी भली लड़की के साथ तो फरेब मत कर, हाय लगेगी उस बेचारी की। अबे तू क्यों उसकी वकालत कर रहा है, तू दोस्त मेरा या उसका? ये मत भूल, मंदिर में तूने दोस्ती निभाने की कसम खाई है, अब निभा दोस्त। ये दोस्ती नहीं, एक दोस्त के साथ दुश्मनी होगी बिपिन। सच्ची दोस्ती वो है जब मैं तुम्हें गलत काम करने से रोकूं, एक अच्छा इंसान बनाऊं तुम्हें। बिपिन
तुम्हें साधना से ही शादी करनी होगी। देख, उसे रास्ते से हटाने में मेरी मदद कर, नहीं तो इस काम के लिए गुंडे भी खरीदे जा सकते हैं। क्या कहा, गुंडे? हाँ, वो उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। यानी कि तुम कत्ल कराओगे? हाँ, मैं उसका कत्ल भी करवा सकता हूँ। अपनी मंजिल को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता है। बिपिन? अरे डार्लिंग साधना, माय डार्लिंग, आई लव यू। 100 साल जियोगी तुम, मैं तो तुम्हारे ख्यालों में डूबा हुआ था। अगर तुम ना आती ना तो तुम्हारी जुदाई में समंदर में कूद के मर गया होता। अरे मेरी रानी के चेहरे पे लाली आ गई, देखिए लड़का होगा, लड़का गोलू सा, लड़का होगा गोलू सा। माँ को पता चल गया है कि मैं, वो तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हें जानना चाहती है। घर चलकर उसे यकीन दिला दो कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, प्लीज। अरे यकीन क्या जाने मन, चटपट शादी करके दिखाते हैं। तुम्हारी माँ से मिलने के पहले तुम मेरी माँ का आशीर्वाद ले लो। हाँ, हम इस वक्त गांव चलते हैं। ठहरिए साधना जी, मत जाइए बिपिन के साथ, ये छल कपट कर रहा है आपके साथ। अरे चुप करना यार, इसे मजाक करने की पुरानी आदत है। हम चलते हैं ना डार्लिंग, चलो। ये मजाक नहीं है साधना जी, ये बहका रहा है आपको। मेरा यकीन कीजिए, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, बिपिन की जिंदगी में ना कोई माँ है ना कोई बाप। ये आपको अपने रास्ते से हटाना चाहता है ताकि ये किसी दौलतमंद लड़की के साथ शादी कर सके। अरे झूठ बोला है, पागल है, गधा के। मैं झूठ बोल रहा हूँ? खा मेरी सर की कसम, और क्या क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, बोलो झूठ बोल रहा हूँ। रफ्तार, दोस्ती के नाम पर कलंक है तू। तू कितना भी जोर लगा लेकिन मैं इस कंगाल से शादी नहीं करने वाला। नहीं बिपिन, ऐसा नहीं। हाथ मत लगा, अगर मैं शादी करूंगा तो किसी दौलतमंद की लड़की से करूंगा, समझा? हाथ जो करना है तो कर लो, जल्दी। साधना जी, साधना जी रोइए मत, देखिए हिम्मत से काम लीजिए। ये बिपिन, आप चलिए घर में, आपको घर छोड़ देता हूँ। चलिए, घर जाने से तो अच्छा है कि मैं समंदर में कूद कर अपनी जान दे दूं। अब मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। साधना जी देखिए, कमजोर मत बनिए, मुझे यकीन है कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन लेकिन मैंने माँ से वादा किया था कि मैं उसके होने वाले दामाद को अपने साथ लेकर आऊंगी। वो दामाद आपकी माताजी तक जरूर पहुंचेगा साधना जी। जी मुझे उम्मीद है कि मैं सारी उलझनों को सुलझा सकूंगा। ये क्या किया तुम दोनों ने? बहुत शर्मिंदा हूं माँ जी, उस गलती की माफी मांगता हूं आपसे जो मैं और आपकी बेटी जवानी के जोश में कर बैठे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक ही तो कह रहा हूं, हम दोनों शादी करेंगे तो क्या हुआ, शादी से पहले उस हरकत को गलती ही कहा जाएगा। आप होश में तो हैं? पूरे होश में हूं, कहा था तुमसे अब हर उलझन को सुलझाना मेरा काम है। बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, तुम मां बनने वाली हो, ये बात अड़ोस पड़ोस में ज्यादा दिन छुप नहीं सकती। ठीक कहते हो बेटा, जितनी जल्द हो सके मेरी बेटी से शादी कर लो। हम कल ही ब्याह कर लेंगे माँ जी। अच्छा क्या? अरे क्या हुआ इसे, ये भाग क्यों गई? चाहती होंगी उनके ब्याह की तारीख उनकी मर्जी से तय की जाए। अगर आप इजाजत दें तो मैं उन्हें समझाऊं। जाओ, जरूर समझाओ बेटे, जाओ जी। साधना जी, ये क्या किया आपने? कोख में बच्चा किसी और का हो और पति कोई और बने, ये कोई भली औरत स्वीकार नहीं कर सकती। जब बच्चे का बाप आपका पति बनने को तैयार नहीं तो फिर और क्या किया जा सकता था? कोई और उपाय हो तो बताइए आप मुझे। मैं, मेरा पति बनना पड़ेगा उसे, किसी और से ब्याह नहीं करने दूंगी उसे, उसकी दगाबाजी सारी दुनिया को बता दूंगी, और मेरी तरफ से आप गवाही देंगे, वो डॉक्टर गवाही देगी, मैं समाज में उसका रहना मुश्किल कर दूंगी। उसके पहले वो दुनिया में तुम्हारा रहना खत्म कर देगा, मुझसे कह चुका है वो, कातिल गुंडे लगाएगा तुम्हारे पीछे। ठीक है, कर दे खत्म,
मैं इसके लिए भी तैयार हूं। जमाने का कलंक झेलने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी माँ और भाई बहन का क्या होगा ये सोचा तुमने? क्या वो खुश रह सकेंगे? कौन पालेगा उन्हें? मर के तुम तो बच निकलोगी, तुम्हारा कलंक तुम्हारे अपनों को डसेगा। तुम्हें जीना होगा साधना, अपनी मां भाई और बहन के लिए जीना होगा। जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, उसी में सबका भला है। हम अपने भले के लिए आपकी जिंदगी क्यों बर्बाद करें? पत्नी के बारे में आपके अपने कुछ अरमान होंगे, घरेलू जीवन के कुछ सपने होंगे। सारे सपने टूट गए, सारे अरमान मिट गए उसी दिन जब मेरी मधु ने दम तोड़ा। उस दिन मैं भी मर गया। चलता फिरता हूं, सांसें लेता हूं, मगर अंदर से बिल्कुल मर चुका हूं मैं। इस जन्म में मधु के सिवा किसी और लड़की से प्यार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं, इसलिए तय कर लिया था कि मैं कुंवारा ही रहूंगा। लेकिन अब मैं तुमसे ब्याह कर सकता हूं, क्योंकि हमारी शादी तो एक समझौता होगी हम दोनों के बीच, ताकि समाज में तुम्हारे घराने की इज्जत बनी रहे। मां बनने से पहले तुम्हें पति मिल जाए और तुम्हारे आने वाली संतान को बाप। ये भी सोचा है कि आपको क्या मिलेगा उस समझौते से? एक ऐसी पत्नी जो किसी की जूठन है, ऐसी औलाद जो आपका खून नहीं, घरेलू जीवन जो बिल्कुल बनावटी होगा। कुछ दिनों के बाद आप सोचेंगे कि ये कहां फंस गया। मन का क्लेश आपसे सहा नहीं जाएगा। कोई क्लेश नहीं होगा, बल्कि खुशियां मिलेंगी मुझे। हां साधना, अगर इंसान समझे तो दूसरों को सुखी करने में भी एक निराला ही सुख है। मधु की मौत के बाद मैं कभी समझ नहीं पाया कि मैं क्यों जी रहा हूं, किस लिए जिंदा हूं, लेकिन अब जीने का मकसद मिलेगा मुझे। मैं तुम सबके लिए जीऊंगा, तुम्हारे आने वाली संतान के लिए जीऊंगा। मैं कुछ जिंदगियों के काम आ सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन मुझे डर है उस नीरस जीवन से आप धीरे धीरे ऊब जाएंगे। नहीं, अपने आप पर विश्वास है मुझे। ब्याह के बाद हम एक छत के नीचे तो सोएंगे, लेकिन एक बिस्तर पर नहीं। हमेशा एक पर्दा रहेगा तुम्हारे और मेरे बीच में। मुबारक हो जीजा जी, बेटा हुआ है बेटा। अले ले ले, इतना प्यारा लग रहा है। बच्चे को काला टीका लगाओ बहन, किसी की नजर न लगे। आइए जीजा जी। मुबारक हो दीदी। पास आओ करण। बेटे को गोद में नहीं लोगे क्या? क्यों नहीं, क्यों नहीं। बच्चा बिल्कुल अपने बाप पर गया है। भगवान न करे। क्यों नहीं, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा तुम जैसा निकले? मुझे खुशी होगी अगर ये अपनी माँ जैसा निकले। आज जल्दी घर आइएगा। पति सेवा हो रही है भाभी। अरे करण भैया, आज फिर अकेले? कभी तो भाभी को हमारे घर लेके आइए। आप देवर पे हुक्म चलाएंगे? कभी इनसे भी कहिए आपको हमारे घर लाए। खैर, पहले मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? मेरे घर बेटा हुआ है। मुबारक हो करण भैया। थैंक यू भाभी। चलिए जी, अभी चलिए अपने भतीजे को देखने। मेरा भतीजा? अरे करण भैया आपके पार्टनर हैं, भाई समान हैं। इनका बेटा आपका भतीजा नहीं हुआ क्या? चलिए फौरन। हाँ, चलेंगे चलेंगे फिर कभी। अभी चलिए, मैं बच्चे की माँ से भी मिल लूंगी, आज तक दर्शन नहीं हुए। अरे सोच क्या रहे हैं, चलिए ना। आप इनके बच्चे को नहीं देखना चाहते क्या? बच्चों से कोई भी नजर नहीं चुराया करता भाभी। हाँ कभी कभार बड़ों से नजर मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा बक बक बंद कर। चलेंगे लक्ष्मी, जरा मुझे काम से फुर्सत पाला नहीं दो, फिर तुम्हें लेके चलेंगे। अभी तो मुझे सिर्फ धंधे की बातचीत करनी है। अब मुंह क्या ताक रहा है खड़ा खड़ा, चल बाहर में चलते हैं, बेटे की खुशी में कोई जश्न वश्न मनाते हैं। चल लीजिए भाभी। ये ले। मेरे बेटे की परवरिश में किसी बात की कसर ना रह जाए। तुम्हारा बेटा? तुम कुछ भूल रहे हो विपिन, मेरी धर्मपत्नी ने उसे जन्म दिया है, वो मेरा बेटा है।
सिर्फ नाम के लिए करण, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उस बच्चे की रगों में जिसका खून बह रहा है वो उसका असली बाप है। अरे तुम तो अपने खून को गर्भ में कुचल देना चाहते थे बिपिन। उसे जीवन दान देने वाला मैं हूं, उसकी रक्षा करने वाला मैं हूं। बुढ़ाप नहीं रुपए, अपने बेटे की परवरिश में खुद अपने दम पर करूंगा। जानता हूं तेरा दम। उस बेटे की परवरिश तो एक तरफ रही, मेरी मदद के बिना तू उसकी मां को दो वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। क्या कहा तुमने? हाँ बुरा ना मानो करण, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी ऐशो आराम है वो मेरी वजह से है, मेरी देन है। अगर मैंने तुम्हें अपने साथ ना रखा होता, अपना पार्टनर ना बनाया होता, तो तुम्हारी हैसियत वही सड़क छाप फाके मस्त फेरी वाली की होती। शुक्रिया बिपिन, मेरी औकात याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे भागीदार बनाकर आप मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं। अरे मुझे उस फेरी वाले की फाके मस्ती मंजूर है, मगर ऐशोराम की जिंदगी के लिए अपनी खुददारी बेचना मंजूर नहीं। आज से तुम्हारी और मेरी भागीदारी खत्म। करण पागल मत बनो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मंदिर में तुमने भगवान के सामने दोस्ती निभाने की कसम खाई थी। दोस्ती निभाने की कसम खाई थी, मगर काम धंधे में भागीदारी की कसम तो नहीं खाई थी। निभाता रहूंगा दोस्ती, लेकिन बाकी के मामलों में तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। चलता हूं। छोड़ी बोतल, खाना खाने चलिए। नहीं, आज मैं सिर्फ पीऊंगा। खाओगी तुम? क्यों, आप क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए कि मैं तुम्हें खिला सकूं। बिपिन का साथ छोड़ दिया, कड़की तो आएगी, फिर से वही सड़क छाप फेरे वाला। ये जानकर मैं बहुत खुश हुई। बिपिन ने कहा कि मैं तुम्हें दो वक्त की रोटी नहीं खिला सकूंगा। अरे दो वक्त क्या, मैं तो तुम्हें चार वक्त की रोटी खिलाऊंगा, चार वक्त की। हाँ तुम्हारे सिवा इस घर में खाने वाला है ये कौन? मुन्ने की भी उम्र मेरी जैसी, पीने की है। बिपिन ने चैलेंज दिया है तो आप भी आगे बढ़कर दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। आगे बढ़के कुछ करके, क्या करके दिखाऊं? आए हो तुम, खड़ी हो। नहीं मेरा मतलब, अब आप फेरी वाले नहीं बनेंगे। तो फिर क्या बनूंगा? इतने दिनों से गारमेंट बिजनेस में है, कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। अब आप अपनी खुद की नई डिजाइन तैयार कीजिए। घर में मशीन भी है, मैं कपड़े सी दूंगी और दूसरे फेरी वाले उस डिजाइन को बेचेंगे। मैं ड्रेस डिजाइन कर सकूंगा? हाँ, क्यों नहीं, मैं हूं ना आपके साथ हर तरह की मदद के लिए। अपने आप में विश्वास जगाकर एक बार कोशिश तो कीजिए। ये क्या करने लगे आप? नाप ले रहा हूं। नया डिजाइन का ड्रेस तैयार करने के लिए कोई मॉडल की जरूरत होती ना तो। हाथ 25, ये ऊपर का नाप लेना पड़ेगा तभी ड्रेस बनेगा ना। 25 तो कैसे चलेगा? तुम्हें ये कहा था कि ड्रेस मैं बनाऊं, तन के खड़े रहिए और हाथ ऊपर कर लीजिए प्लीज प्लीज। ये सांस लेना कम कीजिए। कुछ नहीं। तो फिर ऐसे भाग क्यों गई? नाप लेना बाकी है, आइए ना कल।
हाँ ये भी ठीक है, लाभ लेने से फायदा क्या, ड्रेस बनाने के लिए कपड़ा वगैरह की जरूरत पड़ती है, फिलहाल पैसे कहाँ से आएंगे? कितने रुपए लगेंगे? हाँ ये कोई 300-400 रुपए हो जाएगा, कुछ न कुछ भगवान जरूर मदद करेगा। ये रुपए मेरे तकिए पे कैसे? ये चाय लीजिए। अरे रुपए यहाँ कैसे? भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हमारे छप्पर में तो दरार तक नहीं, और तुम क्या? मेरा ख्याल है तुम्हारे कानों में बालियां हुआ करती थी। सिर्फ ख्याल है, यकीन नहीं, हमें साथ रहते हुए महीनों बीत गए। यानी कि थी बालियां, और वो बालियां बेचकर तुम्हें रुपए लाई हो ना? बेची नहीं, गिरवी रखी है। अब ये रुपया हमारे काम आएंगे, वो बालियां किस काम की? ये तुमने अच्छा नहीं किया साधना, इस वक्त मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। ये घर चलाने के लिए तुम्हारे जेवर बेके लालच है मुझ पर। आप फजूल परेशान हो रहे हैं, मेरे लिए बेकार है सारे जेवर, मेरा श्रृंगार देखने वाला है ही कौन? आपका कारोबार चल पड़े तो छुड़ा लाएंगे वो बालियां। आप छत पर चाय पीकर जाइए बाजार, और जरूरी सामान लाकर जुट जाइए अपने काम में। अरे रो क्यों रहे हो मेरे मुन्ने राजा? लो 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 लो, अरे रोने की क्या बात है, ऐसे तो अरे तेरी ओ ओ ओ। साधना एक नई लंगोटी लाओ पहलवान जी के लिए, हमें भेगो बैठे देखो। शैतान तो फिर गोद में क्यों लिया, पालने में ही रहने देते। अरे बाप के बाहों से बढ़कर कौन सा पालना हो सकता है बेटे के लिए, अब तो इन्हीं बाहों में पलकर बढ़ना होगा बेटा। सिर्फ तुम्हारे लिए तो जी रहे हम। सिर्फ इसके लिए मुझे दीजिए मुन्ना, आप कपड़े बदल डालिए। बाबा एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट की दुकान मिल रही है। क्या मुसीबत है यार, तुम्हें कोई दूसरा बाप नहीं मिला था? हेलो हेलो टेस्टिंग 1 2 3 4 टेस्ट। मैं बोल सकता हूँ, बहरा नहीं हूँ, तुम बोलो। क्या है पापा, एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट की दुकान मिल रही है, आप कहे तो मैं खरीद लूं। क्यों, गारमेंट की फैक्ट्री तुमने खरीद ली, ट्रांसपोर्ट की कंपनी भी तुम चला रहे हो? क्यों चला रहे हैं ये? अब आइसक्रीम की फैक्ट्री, केमिस्ट की दुकान, केमिस्ट की दुकान तुम क्यों खरीदना चाहते हो? मैं सारे कारोबार संभाल लूंगा। आहिस्ता बोलो, मैं सुन सकता हूँ। मैं सारे कारोबार संभाल लूंगा, बस आप देखते जाइए और सुनते जाइए, एक दिन आपका दामाद कितना नाम और धन कमाता है। क्या, कितना नाम और धा 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 से धन? तो तुम क्या सिर्फ नाम और धन पैदा करने के लिए मेरे दामाद बने हो? तो और किस लिए बना हूँ? औलाद पैदा करो गोबर गणेश, औलाद पैदा करो। 1.5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, तुम्हारा ये ससुर घर में बैठे बैठे मक्खियां मार रहा है। अब इस उम्र में और क्या मारेंगे ये? है? कुछ नहीं है। मुझे एक नवासा चाहिए दिल बहलाने के लिए। क्या है कि है? क्यों परेशान करते हो पापा को? है? है? हेलो हेलो, ये तो चल रहा है। माँ की जीवन की जो
अब हम करो तेरे लिए जिए उम्र मेरी भी लेकर दिए जीना है अब हम करो तेरे लिए दर्शन हो गए हाँ क्या है बदमाश अरे बिपिन कमाल है
ये चमत्कार कैसा? तुम और मंदिर में? क्यों, नास्तिक भी तो नहीं था? भक्त भी तो नहीं थे? तुम जैसों को भगवान या तो मुसीबत में याद आता है या जरूरत में। बिल्कुल ठीक कहा करण भैया, मैं तो माँ बनने के लिए भगवान के चरणों में जाने कब से माथा टेक रही हूँ, आज इन्हें भी साथ लाई हूँ। तुम्हें तो औलाद से ज्यादा धन का मोह था विपिन, इसलिए भगवान ने धन तुम्हारी तिजोरी में पहुँचाया और बेटा मेरी गोद में। बड़ा ही प्यारा बेटा पाया है आपने। ये बच्चे की माँ है ना करण भैया? जी। अब चलिए ना घर। चलो, अच्छा चलते हम। एक मिनट, मैं जरा बच्चे को प्यार तो कर लूँ। आओ बेटा मेरी गोद में आओ। मैं पापा की गोद से किसी की गोद में नहीं जाता, मम्मी की गोद में भी नहीं। ओए बदमाश, कितनी प्यारी बातें करता है, तुम्हें भी प्यारा लगता है ना जी? हाँ, बेहद प्यारा। माँ इंतजार कर रही होगी, अब चलिए अभी। सुनो तो भाभी, आप और करण भैया ऐसा प्यारा प्यारा एक और बेटा पैदा करके हमें गोद दे दो। किसी अनाथ आश्रम से ले लीजिए। चलिए चलता हूँ भाभी। चलो। मुन्ना, ए मुन्ना, साधना, साधना, ए मुन्ने राजा, साधना कहाँ चले गए दोनों? आप आ गए? आज सवेरे नहीं, शाम को नहीं? सर धोना था। अच्छा, हाँ मुन्ना कहाँ? माँ आई थी, अपने साथ ले गई, कल छोड़ जाएगी। अच्छा, ये गद्दा यहाँ क्यों पड़ा है? मुद्दत से। इतने दिनों से तुम सख्त बिस्तर पे सोती हो? मेरे पति भी तो सोते हैं। आप हाथ मुंह धो लीजिए ना, मैं अभी चाय लाती हूँ। नहीं, रहने दो, चाय का वक्त गुजर चुका है। अकेली तुम अब भी मुझे नजर आती हो, बंद करो दरवाजा। चल ही नया पसंद। बहुत पी चुके, अब नहीं पीने दूंगी। ओ पतिव्रत धर्म का पालन हो रहा है, शराब पीने से रोक रही और सब्र के जो घूंट पति मुद्दत से पी रहा है उसका कुछ ख्याल है? सब्र के घूंट नहीं समझे ना, आओ मेरे साथ। देखो जाने में, देखो ये हसीन चेहरा, ये रंग रूप मेरी पत्नी का है, जिस पर मेरा पूरा अधिकार है। तुम्हारी जवानी मुझे लुभाती है, तरसाती है, अपनी तरफ खींचती है, फिर भी मुझे अपने आप को तुमसे दूर रखना पड़ता है। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि एक छत तले रहकर भी हम दोनों के बीच पर्दा रहेगा। तब मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रूप गुण एक दिन मेरे मन को मोह लेंगे, मेरे दिल दिमाग पर धीरे धीरे छा जाएंगे। मुझे उस वचन से आजाद करो साधना,
अब तो जी चाहता कि मैं उस पर्दे को आग लगा दूं। ये इच्छा शायद नशे के कारण आपके मन में जाग उठी है। कल जब नशा उतर जाएगा तब भी यही इच्छा बनी रहेगी, यही इच्छा। 7 साल हो गए हमें साथ रहते रहते, तुम्हारे मन में मेरे लिए अब तक जरा सी चाहत नहीं जागी? चाहत क्या चीज, पूजा और भक्ति भी जाग चुकी है। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा कदरदान पति मिला मुझे। आप सिर्फ मेरे पति ही नहीं, मेरे देवता हैं, मेरे भगवान हैं आप। और भगवान पे मसले हुए फूल नहीं चढ़ाए जाते। पाप से दूषित ये बदन आपके योग्य नहीं। मुझे देवता या भगवान समझना छोड़ो, सिर्फ इंसान समझो, अपना पति समझो। मैं तुम में जरा से भी दोष नहीं पाता, पला की कशिश पाता हूं। मिटा दो ये फासले साधना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे सीने से आके लग जाओ, आके लग जाओ मेरे सीने से। देखिए, आप मधु को दिन रात अपने सीने से लगाए रखते हैं। नशे की हालत में मधु का अधिकार मुझे मत दीजिए, अन्याय होगा उसके साथ। मैं जानती हूं मधु के लिए आपका प्रेम कितना गहरा है, कितना पवित्र है, और उस प्रेम की बड़ी इज्जत है मेरी नजर में। इसीलिए आपके और मेरे बीच का फासला मिटाने का साहस नहीं है मुझ में। मैं जानती हूं कि मेरी और आपका झुकाव, आपकी ख्वाहिश सिर्फ जिस्मानी है। तुम गलत समझ रही हो साधना। गलत हो या सही, इतना जानती हूं कि आपकी बेचैनी बढ़कर अब तड़प बन चुकी है। आपको मेरे तन मन पे हर तरह से अधिकार है। वो तड़प मिटाने को अगर आप चाहें तो इस पर्दे को हटाकर उस तरफ आ सकते हैं। मैं आपको रोकूंगी नहीं। नहीं साधना, नहीं। अब तो यह पर्दा तभी हटेगा जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुमने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है, और तब यह पर्दा तुम खुद हटाओगे। चल सो जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आजकल जब काम से लौटता हूं तो मैं अजीब बेसुरे मूड में पाता हूं। इस तरह रोती क्यों रहती हो? कोई नया शक जागा है क्या? डॉक्टर की रिपोर्ट आई है, अपने नसीब पे रोती हूं। रोना तो मुझे अपने नसीब पर चाहिए। मुझे तो पहले से शक था कि तुम बांझ हो। बांझ? बांझ कहा तुमने मुझे? तिलमिला क्यों उठी? कोई गाली तो नहीं दी? मैंने वही कहा जो डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा होगा। ठीक है, तुम्हें यकीन है ना कि मैं बांझ हूं? तो ढूंढ लो कोई दूसरी, 2-4 औलाद पैदा करके दिखाओ। एक औलाद मुझे दे देना, मैं उसी में खुश रहूंगी। बकवास बंद कर। कानून भी बांझ औरत से तलाक की इजाजत देता है। मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, समझी? 1000 शादियां कर लो फिर भी तुम औलाद पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि खोट मुझ में नहीं, तुम में है। अच्छा, खोट मुझ में? ओ बेवकूफ औरत, मैं औलाद पैदा कर चुका हूँ तुझसे ब्याह करने से पहले। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, और बच्चा मौजूद है इस दुनिया में, बांझ तू है। तो पढ़ो ये डॉक्टर की रिपोर्ट। शादी से पहले अय्याशियों का ये फल दिया है भगवान ने तुम्हें कि अब तुम बाप बनने के काबिल नहीं रहे। ये समाज से तुम मर्दों का है ना? अरे तुम लोग तो आसानी से दीगे मार सकते हो कि मैं दूसरी से औलाद पैदा कर चुका, मगर मैं और औरत कैसे साबित करूं कि मैं बाप बनने के काबिल हूं? बोलो, बताओ मुझे, तुम्हारे सिवा और किसके पहलू में जाऊं मैं? Thank you.
हमारा प्यार तो बुढ़ापे भी जवा देगा, भी जवा देगा, मगर तुम जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। ऐसा खेल खेलना छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, हाँ ऐसा खेल खेलना छोड़ दो, ऐसा खेल खेलना छोड़ दो, चलो चलो उठो, पहले खाना खा लो फिर सो जाना। पापा के हाथ से खाऊंगा। पापा तो दवाई पीने बैठ गए हैं। मैं भी पीऊंगा। ठीक, बच्चे दवाई नहीं पीते। तो क्या बड़े ही पीते हैं? हाँ। तो आप क्यों नहीं पीती? सुनो, तुम रोज पापा को अपने हाथ से खिलाया करो, फिर वो दवाई पीना छोड़ देंगे। अच्छा। पापा खाना। अरे बेटा, I'm sorry, हम तो आपको खाना खिलाना भूल ही गए, अभी खिला देते। पापा आज अदला बदली खाएंगे, आप मुझे खिलाएंगे, मैं आपको। अरे बेटा, आपके पापा तो रोज देर से खाना खाते हैं ना। नहीं, अब मेरे साथ खाना पड़ेगा रोज पेट भर के। नहीं बेटा, थाली में खाना कितना कम है, और फिर तुम्हारे लिए तो है। और मैं और खाना परोस दूंगी, बच्चे का मन रख लीजिए ना। आप रोज मेरे साथ खाना खाएंगे तो ये दवाई नहीं पिएंगे। ये पट्टी जरूर तेरी मम्मी ने पढ़ाई होगी। हाँ पापा। बच्चा बाप का प्रोहिबिशन मिनिस्टर बन सकता है। कौन सा मिनिस्टर पापा? फूड मिनिस्टर। चल खिला। चलो खाना खा लो। भूख नहीं। तुम्हारे लिए अब तक मैंने भी नहीं खाया। कोई जरूरत नहीं इस एहसान की। अपनी नरम सेज के लिए तुम किसी की जिंदगी में कांटे बो रहे हो बिपिन, बो रहे हो बिपिन। जो बोगे वही काटोगे, वही काटोगे, वही काटोगे। एक दिन तुम्हारी नरम सेज कांटों की सेज बन जाएगी। हाँ बन जाएगी, हाँ बन जाएगी, हाँ बन जाएगी। तुम जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। ऐसा खेल खेलना छोड़ दो। हाँ तुम जवानी में ही बूढ़े, जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे, जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे। ऐसा खेल खेलना छोड़ दो। हाँ छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, हाँ ऐसा खेल खेलना छोड़ दो। नहीं नहीं, इतना परेशान क्यों होते हो? अगर हमारी अपनी औलाद हमारे नसीब में नहीं तो किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। लक्ष्मी, तुम उसे अपना बेटा मानने को तैयार हो? उसे? कोई खास बच्चा है तुम्हारे ध्यान में? नहीं मां। मेरा मतलब कोई ऐसा बच्चा हो जो हम दोनों को पसंद हो। सुनो, मैं तो उस बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ जिसे तुम ब्याह से पहले पैदा कर चुके हो। मगर मगर लक्ष्मी, वो मेरा खून ना सही, कम से कम तुम्हारा खून तो होगा। उसे ले आओ घर में। मुझे मालूम नहीं वो बच्चा अब कहाँ है। माँ के पास होगा, और कहाँ। मुझे ले चलो उसके पास, मैं उसे समझाऊंगी, मिन्नतें करूंगी कि बच्चा बाप को दे दे। मैं माँ का सारा प्यार दूंगी उस बच्चे को। मालूम नहीं लक्ष्मी उसकी माँ अब कहाँ होगी, लेकिन लेकिन तुम्हें वो बच्चा भी तो बहुत प्यारा लगा था ना,
जो तुमने करण की गोद में देखा था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो कोई एक लावारिस है, करण भैया का बेटा नहीं। नहीं, करण मेरा दोस्त है ना, मेरा जिगरी दोस्त। मैं उसे समझा लूंगा कि तू अपना बच्चा मुझे दे दे। इकलौता बेटा किसी ने दिया है कभी? तुम इसकी फिक्र मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। देखना, एक दिन मेरा बेटा इस घर में खेलेगा। तुम्हारा बेटा? मेरा नहीं होगा क्या? हम दोनों का होगा, तुम्हारा भी होगा, हम दोनों का होगा। ए मुन्ना, मुन्ना, आजा। सॉरी देर हो गई। ये क्या शर्ट बाहर निकली हुई है, चलो करो अंदर। और क्या किया स्कूल में? बहुत पढ़ाई की, बहुत। जानता था कि करण कैसा है रे तू? ठीक हूँ। रवि को रोज स्कूल लेने आता है। आ मेरे घर चल। तुम्हारे घर? अरे हम साथ काम नहीं करते तो क्या हुआ, मगर दोस्ती मरते दम तक निभाएंगे। चलना प्लीज। ना बैठ, चलो आज बेटे। पापा, अंकल के पास कितनी अच्छी कार है, आपके पास क्यों नहीं है? अपना अपना नसीब है बेटा। अंकल को कार की तमन्ना थी तो उनके पास है, हीरे जैसा बेटा मेरे पास। पापा, ये तमन्ना क्या होती है? बहुत बुरी चीज होती है बेटा, उसके लिए लोग अपनों को भी ठुकरा देते हैं। चल बैठते हैं अंकल की कार में। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, देखो तो कौन है। अरे मुन्ना बेटे, आ मेरे पास। नमस्ते बेटा। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। ये क्या, आज फिर भाभी को साथ नहीं लाए? वो रवि को मैं स्कूल से घर लेके जा रहा था कि रास्ते में आपके पतिदेव मिल गए और हमें किडनैप करके यहाँ ले आए। आज इनके इरादे कुछ खतरनाक लगते हैं। जब दोस्त से कतरा होगा तो किडनैप करना ही पड़ेगा। लक्ष्मी तुम इसे लो, जरा मैं इसने पढ़ता हूँ। चलो बेटे, मम्मी गोद में जा। नहीं, मैं पापा की गोद में जाऊंगा। बेटे इन पापा की गोद में तो रोज जाते हो, आज इन मम्मी की गोद में जाओ। चलो बेटे। नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी तो घर पे है। मेरी गोद में आके तो देखो बेटा, मम्मी जैसे ही प्यार दूंगी। हाँ बेटे, ये वाली मम्मी तुम्हें चॉकलेट देंगी, खिलौने देंगी, ढेर सारे खिलौने, सब तुम्हारे लिए लाके रखे। जाओ तो जाओ। जाओ पापा। जाओ बेटा। आइए। मुद्दत के बाद यार नसीब हुआ है, दिन में पीना छोड़ दिया मैंने, आज सिर्फ तेरी खुशी के लिए। तुम जैसा दोस्त ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। शराब पिलाकर रवि को मुझसे छीनना चाहते हो? कैसी बातें कर रहे हो? तुमने भाभी को पटा लिया है ना रवि को गोद लेने के लिए? तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, उस वक्त ही समझ गया था जब तुमने रवि से कहा इन मम्मी की गोद में जाओ। मैं तो उसे कुछ छिपाऊंगा नहीं करण, दुनिया में अगर कोई मेरा दोस्त है या किसी को दोस्त माना है तो सिर्फ तुझे। ले, बाकी दुनिया पर बड़ा एहसान किया आपने। जली कटी मत सुना दोस्त। करण, हमारी शादी को आज 7 बरस हो गए, मगर मैं भी औलाद हूं, इसमें किसी का दोष नहीं, मेरी पुरानी अयाशियों का नतीजा। बाकी तो सब कुछ हासिल कर लिया है, एक नेक बीवी, ढेर सारा पैसा, ये आलीशान घर, ऐश्वर्य की हर छोटी बड़ी चीज, मगर सब बेमानी, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। इस चार दीवारी मेरे कान तरसते हैं किसी बच्चे की आवाज सुनने को, उसकी खिलखिलाहट सुनने को। जी चाहता जब मैं काम से लौटू तो तुम को मेरी भी गोद में आके पापा पापा कर, लेकिन नहीं, जब मैं लौटता हूं तो
ये खामोश दीवारें होती हैं। करण, तुम मेरा दुख समझ सकते हो, मेरी मदद कर सकते हो भाई, मुझे मेरा मुन्ना लौटा दो। बस तुम्हारे दुख दूर होते रहे, उसके लिए कोई मरे या जिए तुम्हारी बला से। कब तक तुम सिर्फ अपना ही स्वाद देखते रहोगे बिपिन? मुन्ना मेरे जीने का मकसद बन चुका है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी खुशी है उसी के दम से है। उसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूं तो मेरा क्या होगा, ये भी तुमने कभी सोचा है? तुम झेल सकते हो करण, जो सहन शक्ति तुम में है वो मुझ में नहीं। तुमने साधना के घर वालों को दुखों से बचाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया। एक त्याग हमारे लिए भी कर दो, हमारे लिए भी कर दो मेरे दोस्त। लक्ष्मी दिन रात तड़पती है कि उसकी गोद भर जाए। भाभी तो सिर्फ तड़पती हैं कि उनकी गोद भर जाए। साधना की हरी भरी गोद उजड़ गई तो वो तो मर जाएगी। ये तुमने सोचा भी कैसे कि वो अपना बेटा तुम्हें देने को राजी हो जाएगी? करण, अगर तुम मजबूर करोगे तो जरूर राजी हो जाएगी। तुम साधना की गोद फिर से भर देना, उसे दूसरा बच्चा देकर। बेकार की बातें मत करो तुम बिपिन, मुन्ना तुम्हें नहीं मिलेगा। समझ गया क्यों नहीं मिलेगा। अगर तुम साधना को दूसरा बच्चा दे सकते तो कभी का दे दिया होता। मेरा मुन्ना तुम दोनों के बीच में दीवार बन गया है। क्या बकरे हो तुम? और नहीं तो क्या। मुन्ना साधना के पहले प्यार की निशानी है। वो जब तक उसकी नजरों के सामने रहेगा तब तक साधना को मेरी याद दिलाता रहेगा, वो मेरे ख्यालों में रहेगा। मत भूलो कि साधना मेरी पत्नी है। इस बार तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन नांदा उसके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो अच्छा नहीं होगा बेटा। सच्चाई कितनी कड़वी होती है ना। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि अगर तुम्हें औलाद का इतना ही शौक है तो अपनी औलाद पैदा करो। मेरे बेटे पर कब्जा किए क्यों बैठे हो? कब्जा तो तुम करना चाहते हो मेरे बेटे पर। तुमने तो आम खाकर घुटी फेंकी थी कूड़ा करकर समझकर। मैंने उसे संभाला, सींचा, हरा भरा पौधा बनाया और आज तुम अपना हक जताना चाहते हो। उसे परवान चढ़ाने वाला मैं हूं बिपिन, मैं हूं मुन्ने का बाप, कानून की नजर में भी और प्यार के रिश्ते में भी। मेरा बेटा मेरे बगैर एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। करण सबसे बड़ा रिश्ता होता है खून का रिश्ता। सिर्फ 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मेरे मुन्ने को मेरे पास छोड़ दो। अगर तुम्हें ना बुला दे तो मेरा नाम बदल देना। यह तुम्हारा भ्रम है बिपिन, मेरा बेटा मुझे कभी नहीं भूल सकता। तो आजमा कर देख लो, 10 दिन के अंदर मेरा खून उसकी रगों में इस तरह पुकारेगा कि वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। ये मेरा चैलेंज है करण, चैलेंज। ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारा चैलेंज। हरे, आज बहुत देर कर दी मुन्ने को लाने में। कहाँ है वो? बाहर खेलने लगा है। मैं क्या? मुन्ने को बिपिन के छोड़ा है उसके घर। बिपिन ने दावा किया था कि 10 दिन में मुन्ना मुझे भूलकर उसे सारा प्यार देगा। मुझे यकीन है कि बिपिन को मुंह की खानी पड़ेगी। मुझसे पूछे बगैर मेरे बेटे को आप उस बदमाश के घर छोड़ा है, क्या अधिकार था आपको? कोई अधिकार नहीं, याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो भूल ही गया था, मैं तो सिर्फ नाम का बाप हूं और पति भी। बिपिन ने भी यही कहा था। माफ कर दीजिए मुझे, आपको अधिकार है लेकिन बिपिन बड़ा चालबाज है। जिस चीज पर उसकी नजर पड़ जाए उसे हासिल करके ही रहता है। परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा लौट आएगा तुम्हारे पास। मेरे खाते 10 दिन सब्र कर लो, उसके बाद मैं कभी अपना अधिकार नहीं जताऊंगा, कभी नहीं। कहां चले? अपने जीवन साथी के पास। मैं हूं आपकी जीवन साथी? सिर्फ नाम की, तुम साथ रहकर भी दूर रहती हो। मेरी तन्हाई को दूर करती है सिर्फ शराब। रॉन्ग साइड सर, सर रॉन्ग साइड, सर रॉन्ग साइड। एक्सीडेंट हो गया साहब, एक्सीडेंट हो गया। इंपोर्टेड कार के साथ एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर की हड्डी पलटी टूट गई। अच्छी है ना कार?
कल हम अपने मुन्ने के लिए इससे भी अच्छे खिलौने लाएंगे। हवाई जहाज लाना, उड़ने वाला। हाँ, अरे भैया हम वो उड़ने वाला जहाज लेकर आएंगे और आज ही लेकर आएंगे, तुम उसे खूब उड़ाना। मगर आज तुम कैसे उड़ाओगे? आज तो तुम्हारे वो वाले पापा आके तुम्हें ले जाएंगे। आप लोग मत भेजना। बेटे वो हमारी बात नहीं मानेंगे, इसके लिए तो तुम्हें उनसे कहना पड़ेगा कि हम नहीं जाते, हम तो यहीं रहेंगे। वो उठा के ले गए तो? उससे पहले तुम ऊपर दौड़ के चले जाना, फिर हम उन्हें दृश्यम दृश्यम करके भगा देंगे नीचे से। ठीक है ना रवि बेटे? आगे करो भैया। नमस्ते भाभी। चारों तरफ माया जाल बिछा रखा है रवि को फांसने के लिए। फिर भी जीत मेरी होगी विपिन। चलो बेटे घर चले। नहीं मैं यहीं रहूंगा। उन्ना? उन्ना? देख ली अपनी जीत, अब जाओ चुपचाप लौट जाओ। नहीं नहीं ये तुम्हारी कुचाल है मुन्ना, पहले तो पापा को देखते ही तुम गोद में आने के लिए दौड़ पड़ते थे, तो फिर आज क्यों भाग रहे मुझसे? इसलिए कि आज मम्मी और बाप दोनों का प्यार उसे मिल गया है, अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जाओ। मुन्ना 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 मुझे तेरी जरूरत है बेटे। देख तेरा ये गरीब बाप तुझे ऐसे कीमती खिलौने तो नहीं दे सकता, लेकिन जितना प्यार मैं तुझे दे सकता हूँ तुझे यहाँ कोई नहीं देगा। सब कुछ मिलेगा उसे, जाओ तुम। नहीं छोड़ो बेबन, आजा बेटा मेरे पास, आजा आजा आजा। करन प्लीज प्लीज तुम जाओ यहाँ से, बच्चे को परेशान मत करो, मैं कहता प्लीज तुम जाओ। नहीं ये मुझे नहीं ठुकरा सकता, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं मुन्ना। करन आजा मुन्ना, आजा, मैं कहता प्लीज जाओ। नहीं छोड़ो मुझे बेबन, ये बच्चा मेरा है। सुनिए मुन्ना, मेरा है मुन्ना, आजा मुन्ना। रवि रवि मेरे बच्चे, रवि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। छोड़ दो बेबन, मैं अपने बेटे को लेकर ही जाऊंगा, वो मेरा बेटा है। बेबन मुन्ना मुन्ना पापा मुझे घर ले चलो, ये अंकल मुझे नहीं चाहिए। बच्चे के दिल में लोभ जगाकर तुम उसे अपनाना चाहते थे, अरे दिल जीतने के लिए प्यार जगाना पड़ता है विपिन, प्यार जगाना पड़ता है, और वो प्यार पाने के लिए सच्चा प्यार देना भी पड़ता है। चलता हूं भाभी। मम्मी के पास अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, हाँ पापा को भी। थोड़ा दूध पी ले। अरे तेरा बदन क्यों गर्म है? सर में भी दर्द है मम्मी, मैं रोया था। क्यों तू क्यों रोया बेटे? पापा रोए तो मैं भी रोया। पापा क्यों रोए? क्योंकि मैं नहीं आ रहा था।
जिसमें कोई मूरत है ना कोई दिया। टूटा हुआ मंदिर हूँ मैं किसी के प्यार का, जिसमें कोई मूरत है ना कोई दिया। अब तो मेरी आंखों में आंसू ही आंसू है, डूब गए आंसुओं में ये जिंदगी। किसको है फुर्सत यहां जो आंसू पोंछे मेरे, मैं किसको आवाज दूं, जिंदगी ये है क्या जिंदगी। कौन आके अब मुझे लगाए गले, वक्त जिसे लूटे यूं जब नसीब रूठे यूं, फिर नसीब पर नजर कोई चले। प्यार है मुझसे बेहद दिलो जान से। मेरी साधना एक बार फिर से कहो। साधना मेरी साधना
सामना करा क्यों रहा है? हल्का सा बुखार था, मैंने दवा दे दी है। इसे तो बहुत तेज बुखार हो गया है, चलो इसे दवा खाने ले चलते हैं। दवा खाना तो बंद हो चुका होगा इस वक्त, अब सवेरे ही ले जा सकेंगे। आप जाइए सो जाइए, मैं जागूंगी सारी रात अपने बेटे के पास। नहीं, तुमसे ज्यादा बेटा ये मेरा है, तुमने तो सिर्फ जन्म दिया, पाला मैंने इसे। तुम जाओ सो जाओ, मैं इसके पास रहूंगा। देखिए आप जिद मत करिए बेटा। मुन्ना मैं हूं या बेटा, पिछली रात तुम्हें जगाने को मन नहीं हुआ क्योंकि मैंने ही कई रातों से तुम्हारी नींद उड़ा रखी थी। मुन्ना को बिपिन के घर छोड़कर, घबराना मत, इस बार उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं, कुछ देर में वापस ले आऊंगा। तुमसे ही मिलने आया था मैं, करण तो मुन्ने को लेने स्कूल गया होगा, बैठने के लिए नहीं कहोगी? चले जाओ यहां से। ना फिर साधना, मुझे जितना भी बुरा भला कहना चाहती हो कह लो, मगर ऐसे मुंह ना मिलो। तुमसे विश्वासघात करके आज मैं पछता रहा हूं। काश लक्ष्मी के बजाय मैंने तुमसे शादी की होती। पाखंडी, लक्ष्मी जैसी पतिव्रता और धनवान नारी से भी शादी करके पछता रहे हो? तुम जैसा खुद गर्ज ढूंढे से न मिलेगा। जानती हूं आज क्यों आए हो मेरे पास? अपने स्वार्थ के लिए, मुन्ने को हासिल करने के लिए। हाँ, मुन्ने को हासिल करना चाहता हूं, मगर इसका कारण स्वार्थ नहीं, प्यार है साधना। बेटा तुम्हें अनाथ आश्रम से भी गोद ले सकता हूं, फिर मुन्ना ही क्यों? इसलिए कि वो मेरे और तुम्हारे प्यार की निशानी है। बको मत, मेरी नादानी और तुम्हारे फरेब की निशानी है वो। अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ, नफरत। मुझसे नफरत करती हो तो अपने पति से दूर क्यों रहती हो? क्यों नहीं करण को दूसरा बच्चा दे देती जिसकी रगों में उसी का खून हो? अपने आप को क्यों धोखा दे रही हो साधना? अभी तक कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बाकी है, इसीलिए तुम करण को प्यार नहीं दे सके। सिर्फ प्यार ही नहीं, मैंने उन्हें भक्ति भी दी है, उनकी उपासना की है, पूजा करती हूं मैं उनकी। उस देवता पर तुम्हारी जूठन चढ़ाई जाए ये साहस मैं कभी नहीं कर सकी। मेरी जगह उनके चरणों में है, बाहों में नहीं। तो ठीक है, करो अपने उस देवता की पूजा, लेकिन उसके साथ साथ अपने बेटे के बारे में भी सोचो, उसके भविष्य के बारे में सोचो। करण उसे क्या दे सकेगा? अगर मेरा मुन्ना मेरे पास पलेगा तो करोड़ों की जायदाद का वारिस बनेगा। जायदाद के साथ साथ सैकड़ों ऐब भी मिलेंगे उसे, फरेब, मक्कारी, जालसाजी का पूरा सबक मिलेगा तुमसे। उस पर अगर तुम्हारी छांव पड़ी तो वो भी तुम्हारे जैसा शैतान ही बनेगा। करण जैसा फरिश्ता अपने बेटे को एक नेक इंसान बनाएगा। देखो साधना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुन्ना मेरा बेटा है, उसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं साबित कर सकता हूं कि मुन्ने का असली बाप मैं हूं। कैसे करोगे? अदालत में, उस डॉक्टर को भी अदालत में खींच कर लाऊंगा, उसे गीता पर हाथ रखकर कहना पड़ेगा कि तुम शादी से पहले मां बनने वाली थी। देखो साधना, अगर मामला कोर्ट में गया तो तुम कलंकनी कहलाओगी और तुम्हारा बेटा व्यभिचार की संतान, नाजायज औलाद कहलाएगा। खामोश, कोई भी औलाद नाजायज नहीं होती, नाजायज होते उसके मां बाप के ताल्लुकात।
हमारे समाज में मां का कलंक औलाद को भी जकड़ लेता है, इसीलिए मैं कहता हूं मेरा मुन्ना मुझे दे दे। कलंक के डर से अगर मैं भागती रही तो सारा जीवन उस डर से छुटकारा नहीं मिलेगा मुझे। मैं पालूंगी अपने बेटे को और हर बदनामी से उसे बचाऊंगी। कैसे बचाओगी? अदालत में गीता पर हाथ रख शपथ लेकर ये कह सकोगी कि मुन्ने की रगों में मेरा खून? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तुम अपने मकसद के लिए कदम कदम पर जालसाजी करते हो तो क्या ये माँ अपने बेटे को तुम्हारे जाल से बचाने के लिए एक झूठ नहीं बोल सकती? जरूर बोलूंगी। शपथ की बंदिशों में माँ की ममता नहीं जकड़ी जा सकती। अदालत में झूठ बोलना इतना आसान नहीं है। वकील तुमसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। पसीने तो तुम्हें आएंगे मिस्टर, मुझे एक बार कोर्ट में खींच कर तो देखो। मेरे एक ही सवाल पर तुम्हारा जी चाहेगा कि चिल्लू भर पानी में डूब मरो। कौन सा सवाल? यही कि जो शख्स जवानी में ही बरसों तक अपनी बीवी को बच्चा देने के काबिल न रहा वो मुन्ने का बाप कैसे हो सकता है? डॉक्टरों से जांच करवाई जाए कि नामर्द है। कोई मेरी बीवी पर हाथ उठाए तो मैं उसके हाथ काट कर रख दूं। तुम्हारे साथ मैंने दोस्ती निभाने की कसम खाई थी इसलिए मजबूर हूं। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल यहां से। करण, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो जिस चीज की मैं ख्वाहिश करता हूं उसे हासिल कर ही लेता हूं। और फिर मुन्ना तो मेरी अभिलाषा है। हे भगवान, इसे तो तेज बुखार है। सुनिए सुनिए, जरा जल्दी उठिए, मुन्ने को बहुत तेज बुखार है, हाथ भी नहीं उठा सकता। मैं डॉक्टर को लेके आता हूं। ओह माय गॉड, ब्रेन फीवर है, यानी सरसाम हो चुका है। जान बचाने के लिए इसी वक्त एक खास इंजेक्शन लाना होगा। इतनी रात को दवा की दुकानें तो बंद होंगी, फिर भी मैं लेकर ही आऊंगा। बिपिन, 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 जल्दी चल मेरे साथ, मुझे इस वक्त तेरी सख्त जरूरत है, प्लीज बिपिन। तुमने तो कहा था करण कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगे, कौन सी मुसीबत ले आई तुम्हें मेरे पास? उस बच्चे की जान बचाने के लिए जिसकी चाह तुम्हें भी है। निमोनिया का बुखार मुन्ने के सर चढ़ गया है, डॉक्टर ने कहा कि ये विदेशी इंजेक्शन फौरन ले आओ। क्या टेलीफोन? इसका मतलब है मुन्ने की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बहुत खराब है विपिन, इतनी रात गए सब दुकानें बंद हो गई होंगी, तुम्हारी केमिस्ट की दुकान है ना, चलो उसे खोल के इंजेक्शन मुझे दे दो प्लीज। हाँ जरूर दूंगा करण, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? मुन्ने कसम खाकर कहो उसका बुखार ठीक होते ही तुम मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दोगे। जिस बच्चे को तुम अपना खून कहते हो उसकी जान पे बनी है और तुम्हें इस वक्त सौदेबाजी सूझी है? मौका देकर सौदेबाजी करना जानता हूँ, मुन्ने को हासिल करने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा, और मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं गंवाऊंगा। मेरे जीते जी तुम मुन्ने को कभी हासिल नहीं कर सकोगे बिपिन, पर एक बात और सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं मुन्ने को मरने नहीं दूंगा, उसके लिए इंजेक्शन मैं पाताल से भी निकाल लूंगा। करण, लक्ष्मी, कैमरे शो की चाबी निकालो, कहाँ है लक्ष्मी? फोन
कहाँ ढूंढूं मैं, किधर? कब लौटेंगे वो? जितनी देर होगी उतना ही खतरा है। अगर बच्चे को वो इंजेक्शन नहीं दिया गया तो पहचाना जम्बूदाना? हाँ, तेरे कारण परसों जेल में सड़ता रहा, आग के आया हूं हिसाब चुकता करने, ब्याज सहित। जम्बू दादा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, अगर फौरन उसे ये इंजेक्शन नहीं दिया गया तो मुझे इंजेक्शन दे दो। दे दूं? प्लीज। बाप का प्यार बहुत जोश मार रहा है, हैं? कल अपने सारे अरमान निकालना जम्बू दादा, मुझे अपने बेटी की कसम तुम जहां कहोगे वहां मिलूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे जाने दो। अरे मेरे मासूम बच्चे में तरस खाओ, मुझे इंजेक्शन दे दो। ये चाहिए ना? हाँ प्लीज मेरे भाई। ये ले। ओह माय गॉड, 106 बुखार, बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। हे भगवान, दया करो, मेरा बेटा ठीक हो जाए। जब वो मुझे जाने दे। मुझे जाने दे। भगवान मेरे बेटे की जान बच दे। इसकी जिंदगी इस मुट्ठी में है डॉक्टर, ये रहा इसकी जान बचाने का इंजेक्शन, लाइए जल्दी दीजिए। अरे मुझे बच्चे की मां से कुछ कहना है। सुनो साधना, मुन्ना जिंदा रहे ये तुम भी चाहती हो और मैं भी, इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मुन्ना के ठीक होते ही तुम इसे मेरे हवाले कर दोगे, इस शर्त पर ये इंजेक्शन मैं लूंगा। इस वक्त एक मां की ममता तड़प रही है और तुम उससे फायदा उठाना चाहते हो। देखो आप लोग किस बहस में पड़ गए, बच्चे को फौरन इंजेक्शन देना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। बोलो साधना, तुम मुन्ना मुझे दोगी या मैं इंजेक्शन लेकर वापस जाऊंगा? मेरा बेटा जहां भी रहे सलामत रहे, इसकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अब तो इंजेक्शन दीजिए जल्दी। करण, ये क्या किया मिस्टर करण आपने? ये रहा वो इंजेक्शन डॉक्टर साहब। अब कोई खतरा नहीं है मिस्टर करण, सुबह होते ही बच्चे को होश आ जाएगा और जब होश आ जाए तो मुझे इत्तला कर दीजिएगा। जी, अब मैं चलता हूं। अब आप भी जा सकते हैं। करण, मेरी आखिरी इल्तिजा सुन लो। आप जा सकते हैं। मेरी तुम दोनों से हाथ जोड़कर विनती है, मेरा मुन्ना मुझे दे दो, मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद ले लो, मेरा मुन्ना मुझे दे दो, मैं अपने बेटे के लिए तुम दोनों के आगे
हाथ पसार कर भीख मांग रहा हूं। ताज्जुब है, तुम तो छीनना लूटना जानते थे, भीख मांगना कब से सीख लिया? वक्त बहुत बड़ा होता है। मैंने सोचा था कि दुनिया का हर सुख दौलत से हासिल किया जा सकता है। आज मेरे पास इतनी दौलत है जो करोड़ों के पास नहीं, पर औलाद का सुख जो करोड़ों के पास है मेरे पास नहीं है। फिर ये इतनी सारी दौलत किस काम की? बड़े काम की है बिपिन। तुम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे, लेकिन जब जाओगे ना तो तुम्हारी चिता लकड़ियों पे नहीं, नोटों की ढेर पे जलाई जाएगी। ताने मत तुम्हारे, मेरा बेटा मुझे दान में दे दो। नहीं, स्वार्थ के लिए भगवान की सजा ही है, उसने तुम्हें बेटा देकर भी नहीं दिया। अपने बेटे को तुमने खुद पराया बनाया, अब अपने पापों का प्रायश्चित करो तुम बिपिन, प्रायश्चित करो। तुम ठीक कहते हो करण, शायद मेरे पास अब सिर्फ यही एक रास्ता है, प्रायश्चित। इसी में मेरी भलाई है। काश मैं शुरू से ही तुम जैसा होता। भगवान, इतना खून, जल्दी करो, चलो चलिए डॉक्टर साहब, चलो चलो प्लीज जल्दी कीजिए। चलो डॉक्टर सिन्हा को जल्दी बुलाओ। डॉक्टर साहब घबराइए नहीं, मिस्टर करण को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। मुन्ना कैसा है? हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। जी ना।